alaykum ji, welcome back to another episode of kaka Qazi. my guest today was the brilliant minaj Ali askari uh, radio show host horror story uh, extraordinaire we get to talking about the legitimacy that is afforded radio uh, about horror stories and the genre of horror and what it depicts and who it's for and about his rise and his interests and how uh, he became to be prominent the way he is now सही दिया अच्छा दिया अच्छा दिया <laughs> एंजॉय <इन्जोए। laughs> थ्री टू वन मिनाज अली अस्करी How you oh. doing, मिनाज भाई? I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बोल रहे थे कि स्टार्ट कर देते, कर देते। हाँ, स्टार्ट कर देते हाँ, स्टार्ट कर देना चाहिए भैया। हाँ। मैं कह रहा था कि आ, मेरा जो नाम है ना वो अटैच है हॉरर जॉनरा से हाँ। टली unfortunately, unfortunately. Uh, <laughs> हाँ, <ही> अनफॉर्चुनेटली किया था लेकिन <laughs> फिर, फिर वो हुआ ये कि, आ, होता है ना हो ये मुझे ने याद दिलाया उसका वो पार्ट देखा था जब उसने कहा छोड़ रहा हूँ हाँ. 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 तो मुझे बात हिट करी थी क्यूँकि एग्जैक्टली वही सिमिलर इमोशन मैंने भी फील किया है और मैंने किया था जब मैंने हॉर शो शुरू किया था रेडियो पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में किसी ने किया था अच्छा ये मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता मैं मैं हूँ वो जिसने पहली दफ़ा किया है अच्छा नहीं नहीं आप बस मुझे मैं तो रहे? मैं नहीं मैं फ्रस्ट्रेशन में किया था ये मैं एक रेडियो मैं कर रहा था आ, मुझे टाइम भी याद नहीं है टू थाउजेंड से टू बल्कि सिक्स से या फाइव से तो मैं वही टिपिकल शोज हो रहे थे मैं नया नया था अट्ठारह उन्नीस साल का बच्चा क्या हो बीस साल का बच्चा क्या होता है वो जो बोल रहे होते हैं लोग का वो कर रहा होता तो मैं, मैं कर रहा मैं नहीं था नहीं और मैं मेरा म्यूज़िक से असर में बहुत ज़्यादा इंक्लीनेशन है मेरा मैं पहले म्यूजिक करता था दोस्तों के साथ जैम कर रहे हैं अच्छा, किटाब बजा रहे हैं गाने गा रहे हैं बैंड था हमारा एक छोटा सा तो मैं उसका कॉन्सेप्ट लेके गया रेडियो के पास और वो कॉन्सेप्ट जब मैं दस साल बाद देखता हूँ तो वो कोक स्टूडियो में फॉर्म हुआ हुआ मैंने उस वक्त उस वक्त सोचा था कि मैंने रेडियो वालों को पिच किया था कि एक मेन आर्टिस्ट को उठाए और एक फोक को उठाए हम रेडियो पे बिठाते हैं और ये बातें करते हैं उन्होंने कहा उसकी प्रोड्यूस करना है सही. वो उस वक्त इतना नहीं था ना ब्रांड थे ना कुछ था तो वो दो चार दिन तो मैंने कर लिया किसी भादराबाद से जाके बांसुरी वाले को उठा के आर को बुलाया उनको कर लिया तीन चार ये हाँ ये खुद ही कर रहे थे लेकिन वो फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आ, इसका आउटकम क्या है अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ रहा कुछ भी नहीं आया तो फिर वो होते 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 हो, वो इस तरह का इंटरव्यू शो ही हो गया सही फिर वो इंटरव्यू शो होते, होते होते फिर वो दूसरे प्रोग्राम्स आना शुरू हो गया कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर लें उस तरह का कर लें ये प्रोड्यूस कर लें ये प्रोड्यूस और कर मैं करता रहा एक पॉइंट आया मुझे रियलाइज हुआ क्या मैं कर क्या रहा रहूँ मैं आता हूँ मैं बैठता हूँ मुझे पता है कि मैंने क्या बोलना है

नहीं वो आपका ये यूथ पे शो हिट है, आप ये ही फिर वो ही होता है ना कि अब एक चीज क्लिक करती है तो उसके साथ आप फिर हो जाते हैं तो स्टेशन भी अटैच हो गया स्पॉन्सर्स भी अटैच हो गया तो वो यूथ का एक शो करता था हुँ. तो वो चलता जा रहा था चलता जाता अब एक पॉइंट आता है कि आप आउट कर जाते हैं आइडिया से आपका आइडिया पुराना हो जाता है आप आगे जाते हैं आप आगे बढ़ते हैं एक दिन मैं बड़े ग़ुस्से में रात को और मैं करता था बारह से दो मेरा हमेशा से रात बारह से दो मेरा एक स्लॉट था आई लाइक स्लॉट है क्योंकि yeah. सारे काम करके सारी पढ़ाई करके सारी पार्टी करके hmm. फिर मुझे मौका मिलता था, था, था थोड़े से पैसे कमाने का सही. वो बारह से दो था वो मेरा फेवरेट टाइम था गया आराम से करके आए तो मैं एक दिन ऐसे ही गया बहुत गुस्से में और मैं इंजीनियर्स बैठे हुए थे दो तीन गालियाँ दी गाटो यहाँ से ये गाने वो पूछते आके कि प्रोड्यूसर पूछता है कि क्या आज का क्या होगा किस तरह का शो मैं कहा आज मुझे नहीं पता मैं कर ही नहीं रहा मैं डिज़ाइन कर दूंगा मैं कर ही नहीं रहा कह रहे नहीं नहीं मिनाज वो स्पॉन्सर है ये है वो है ये हो जाएगा आ, मैं कहा ठीक है अब जो बीच में शो के बीच में अगर कुछ हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैंने पहले ही आपको हेड दे दी मैं कोई एक घंटा शो किया नॉर्मल जो मेरा जो था प्लान उसके बाद मैंने ऑनर ही बोला मैंने किसी से ना अपने सी से पूछा ना प्रोड्यूसर से ना प्रोग्रामिंग के हेड से और मैंने कहा क्या मैं आज शो कर रहा हूँ और ये हॉरर शो है हम हॉरर कहानियाँ डिस्कस करेंगे ऑन दैट डे ऑन दैट डे ऑन दैट डे नहीं ये मेरे पास आइडिया चल रहा था हाँ. लेकिन मैंने कहा बस आज जो हम कुछ करते हैं आज आज डिफरेंट करते हैं हॉरर शो करते हैं मैंने ऐसे ही बोल दिया ओ मैंने अपने घर के वाक़त बताना शुरू किया मेरे ताया के साथ हुआ है, मेरे नाना के साथ हुआ ये वो होते होते वो फिर लोगों की कॉल आना शुरू हो गई लोगों की कॉल आते आते अच्छा मैं भूल ही गया गाने प्ले करना एड्स प्ले करना बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करना कुछ नहीं मैंने एक घंटा स्ट्रेट जैसे आपका पॉडकास्ट होता है हाँ। हाँ? स्ट्रेट बग़ैर ब्रेके मैंने कर दिया की बस आपने। और मैं बड़ा खुश बड़ा तसल्ली मैंने कहा आज मुझे बहुत मज़ा आया मैंने ये भी नहीं देखा कि मैसेज बोर्ड क्या है कितने मैसेजेस आए हैं कितनी कॉल्स आए हैं कुछ मैं घर गया हूँ आराम से सोया सुबह मैं उठाऊँ तो मैंने देखा मोबाइल पर स्टेशन की कॉले आई हुई हैं तीन चार पाँच छः कॉले आई हुई बॉस की मैंने कहा बेगम आज मैं गया जरा <laughs> आप पैसे टाइट कर लो Allah या तुम्हें ज्यादा कमाने पड़ेंगे आपको तो 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 मैंने कॉल किया तुमने क्या किया रात को मैं कहा मैं आप लोग को बोल रहा था कि मैं आप थक गया हूँ प्रोग्रामिंग चेंज करें आप लोग आप लोग कर ही नहीं रहे पाँच साल से एक ही प्रोग्राम मैं करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ सब रो रहे है मैं भी रो रहा हूँ मैं क्या ये है अब यही होगा इस ता, इसी तरह होगा इसी तरह मैंने किया कह रहे तुमने बहुत जबरदस्त किया है यार जबरदस्त हो गया तो अच्छे नंबर आए और बहुत लोग इसकी फीडबैक है बस तुम इसको क्या है तुम्हारे पास आइडिया बनाओ इसको मैंने उनके साथ बैठा उनको बताया कि भाई ये रात के बारह से दो भी नहीं होगा ये एक से तीन होगा right. क्योंकि लेट हॉरर शो है मैं बारह बजे करूँ उन्होंने कहा कि कमर्शियल चलेंगे मैंने कहा कमर्शियल नहीं चल सकते मैंने कमर्शियल आज तक नहीं चलाए नहीं तो ये मान कैसे लिया आपने तो नहीं उनने मान कैसे वो इसलिए मान लिया कंटेंट किंग था ना जबरदस्त उस वक्त मुझे ये उनको मनाना जरूरी था कि कंटेंट किंग है आपका पूरा स्टेशन जो है वो बिक जाएगा आप ये दो घंटे मुझे दे दें बस

है है ना 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 आप बात बात कर रहे हैं बात करते, करते एक जी भला आएगी नहीं तो वो सारा टूट जाएगा अच्छा भाई हम जो है न, I did a podcast recently with TPR, उसमें इरफान भाई भी थे सब थे एंड उसमें भी यही डिस्कशन हो रही थी कि बाहर जो होता है ना ये जो आप आ, जो ब्लूप्रिंट दे रहे हो या जो स्ट्रक्चर दे रहे हो हुँ. बाहर होता ही ऐसे कि भाई आप शो से पहले पॉडकास्ट या रेडियो शो के आप पहले करेंगे

फिर वो कहता है कि अब आप इस पे ऐड चलाएं या आप ना चलाएं ये आपकी मर्जी स्टेशन अपने पैसे बना लिए आपको टाइम मिल गया अब यहाँ उल्टा है यहाँ जरा पाकिस्तान में है ही हर चीज़ उल्टी है खैर वो कर तो दिया उसके बाद इनको मनाना जरूरी था कि बगैर ऐड क्या वो परेशान मार्केटिंग टीम बैठी हुई थी बगैर ऐड के कैसे होगा मैंने कहा वैसे भी रात के एक बजे कौन सा ऐड कौन क्या लग जाएगा मैं कहा अगर लगाना भी आपने एक स्टार्टिंग में लगा दो और टेल पे लगा दें खत्म बात हो गया फिर उनको समझ आई कि यार ब्रांड्स भी ज़रा हिचकिचाए कि यार हॉरर से कोई ब्रांड अटैच नहीं होता ये नहीं होता तो वो नहीं आए मेगा और, और अच्छा हुआ जबरदस्त मेरे तो बहुत जबरदस्त हो गया मेरे तो ब्रांड की परेशानी नहीं है सही वो मैंने करना शुरू किया वो करते 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 मुझे पता नहीं चला कि वो बहुत बड़ा हो गया शो माशाल्लाह सही है वो मैं और मैं कराची के एक छोटे से स्टेशन से शो कर रहा था वन ओ सिंध का नेटवर्क था सही ये भी नहीं कि वो पूरा पाकिस्तान का नेटवर्क सिंध का नेटवर्क था हाँ। और बिलखसूस कराची मेजर उसका वो था हाँ। उस जमाने में मैं आ, वे बैक इन वेवन या एट ये फेसबुक वगैरह नए नए आए थे सही हाँ, है बिल्कुल ही नए थे मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का फोन का लैपटॉप और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया क्या है उस सोशल मीडिया उस वक्त तो नहीं था टर्म ये तो अभी आई है जैसे पाँच सालों तो मैं फेसबुक पे भी किसी तरीके से मैंने जुगाड़ लगा के ना मैं फेसबुक पे भी अपना रेडियो हो चुका था उस हमारी यूथ जो है ना वो रेडियो पे नहीं बैठी हुई वो बैठी है मोबाइल पे कंप्यूटर्स पे रात के ग्यारह बारह बजे मैं अपने ऊपर सोचता हूँ वो टाइम अलग था मैंने वाला टाइम भी देखा है कि हम रेडियो सेट लगाते थे एफ एम हंड्रेड पहला पहला आया था तो हम सुनते थे रेडियो के सेट पे पुरानी बात है सही उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त टेक्नोलॉजी दूसरी थी हाँ. तो मैंने उसको शिफ्ट किया फेसबुक मैं मैं उस वक्त मुझे रियलाइज हो कि ये शो बड़ा हो चुका है कि जब मैंने देखे ना फेसबुक के हाँ. उस वक्त हल्के एनालिटिक्स आते थे अजीब किस्म के हाँ. पता नहीं सही होते थे कि नहीं होते थे मैं जो खुशी होती थी हाँ, तो फोर्टी नाइन परसेंट पाकिस्तान की ऑडियंस थी फिफ्टी वन परसेंट ऑडियंस इंडिया की थी मैं खुश हो गया अब आप, एक यंग बच्चे को अचानक से सक्सेस मिल जाए और उसका ही कॉन्सेप्ट वो क्लिक कर जाए लोग पसंद कर रहे हैं और मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं उस वक्त टीवी पे नहीं आया था सही मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मेरी आवाज़ से मुझे पहचान रहे मैं किसी ग्रोसरी स्टोर जा रहा तो वो मुझे आवाज़ से पहचान रहे मैं किसी स्पोर्ट्स की दुकान पर जा रहा कपड़ों की दुकान पर जा रहा तो वो मुझे आवाज़ से पहचान रहे है ये मैं करता रहा वो भी

तुमने तो सारा सिर्फ ले दे के मेरा जो है हॉरर शो ही पसंद आता है मैंने वो भी एक दिन अचानक से बंद कर दिया भाई ये 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 मेरा 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 एक <laughs> मसला रहा है जब मैं मेरे मेरा जो फिलॉसफी है काम करने की वही है कि मुझे मज़ा आना चाहिए sense. Short, मुझे short. नहीं मुझे पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैंने मैंने रेडियो शुरू किया था तो मुझे पाँच हज़ार मिले थे महीने के सही है तो मैंने उस वक्त से शुरू किया था फिर मैंने एक पॉइंट आया मैंने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए मुझे कभी भी मैंने किसी भी काम को पैसे से वो नहीं किया कि यार ये मैं पैसे मैंने वो भी नहीं किया कि मैं जो नहीं हूँ तो सेल आउट होते हैं मैंने आज तक वो भी नहीं किया मैं इसलिए काम बहुत कम किया जितना किया उसमें मैं खुश हूँ मैं मैं उसको ओन करता हूँ यार ये मैंने किया और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं सेल आउट हुआ

तो मैं अब ब्रेक ले रहा हूँ हाँ। और मैंने स्टेशन को मैं अपने बॉस को मैसेज किया मैंने कहा मैं ब्रेक ले रहा हूँ मैं थक गया हूँ चार पाँच साल हो गए मुझे करते हुए हॉर शो भी अब मैं जो ना मुझे दो हफ्ते या तीन महीने की ब्रेक दे दो ढाई महीने की ब्रेक दे दे मैं जरा घूम फिर के आ रिलैक्स रिफ्रेश, रिफ्रेश हो कर नया आइडिया आ जाए मैं कुछ और सोचूंगा फिर मैं आ जाऊंगा उसने भी कहा ठीक है इट्स और मेरी बदकस्मती कि वो बेचारा बॉस जो है वो एक हफ्ते में स्टेशन जो है वो बिक गया किसी और कंपनी ने खरीद लिया मैनेजमेंट चेंज हो गई सब कुछ अब मैं जाऊँ एक दिन दो महीने बाद मैं हाँ। वैसे जा रहा हूँ कि मिनह अस्करी आ रहे हैं दरवाजे खुलेंगे हाँ। हाँ। ये होगा अब मैं स्टेशन के रिसेप्शन उसने क्या आप कौन जी जी आप यही अरे मैं अच्छा मैंने कहा बताए कहा सब चले गए सर मैनेजमेंट चेंज हो गई अच्छा खैर जो आए थे वो भी मेरे दोस्त ही थे मैं जानता था उनको उनसे बातचीत हुई उन्होंने इतना वो नहीं किया मुझे फैसिलिटेट फैसिलिटेट नहीं किया, किया, हाँ. तो क्योंकि यही शो उनको चाहिए था, हाँ. मैं और आइडियाज़ लेके गया फिर उन्होंने मुझे अजीब सी डील दी तो मैंने उसको भी अजीब सा क्योंकि आपको मना करना होता है ना तो फिर मैंने भी उनको इसी तरीके से मना किया मैंने पैसे तेरे मांगले उन्होंने कहा रेडियो है ये विराज एक अरे तुझे <laughs> पता है ये रेडियो है <laughs> मैं तो आपने बात ही ऐसी की है खैर वो छोड़ के मैं नेपा चला गया सही नेपा मैंने शुरू किया नेपा मैंने भी कौन सा साल है जिसमें आप नेपा पे जा रहे हो और आपने ये छोड़ दिया रेडियो हम्म टू थाउजेंड याद भी नहीं ट्वेल्व थर्टीन ना 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 मैं हर चीज ना अपनी शादी से वो करता हूँ अच्छा। अच्छा। शादी।, शादी को भी ग्यारह साल होने वाले हैं, तो उससे पहले तीन साल पहले तो 2008, 2009. मतलब जब कराची के बिल्कुल थे। बे, अच्छा एक साल पहले का था दो साल हो, एक साल हो चुका था नापा खुले हुए मशा साहब का टाइम था बहुत मजा आ रहा था चैनल खुल रहे थे एवेन्यूज बन रहे थे रेडियो स्टेशन पे लिबर्टी थी सब कुछ था प्रोग्रेस हो रही थी नेपा गए नैपा में क्या फिल्म मेकिंग के लिए एक्चुअली मुझे शौक था फिल्म बनाने का बनाने का बनाने का मुझे मैं प्रिसाइसली डायरेक्शन बिहाइंड द कैमरा काम करने का लेकिन नेपा ने आ, मुझे कुछ और ही दिखा दिया उसने कुछ और एंगल दिखा दिया जिंदगी का उस आर्ट्स का उसने कहा यार ये एक्टिंग होती है और ये थिएटर होता है ये लिटरेचर होता है अब मैं इस उससे गया था कि मैं वो आप इंडियन फिल्म्स और हॉलीवुड फिल्म देख के जाते हैं जाएंगे स्टूडियो होगा एक्टिंग होगी ये हाँ। होगा फिर हम स्टार बन जाएंगे न, सही हम रणबीर कपूर होंगे हम अक्षय शाहरुख खान होंगे वहाँ गए तो नवाजुद्दीन से ज्यादा बुरी हालत <laughs> <सही। laughs> नवाजुद्दीन की क्या बुरी हालत होगी जो हमारी थी हाँ। अच्छा उनकी कौर शर्त थी कि आप आ, काम भी नहीं करेंगे क्या मतलब उन्होंने कहा हमें डेडिकेटेड स्टूडेंट्स चाहिए मतलब जो बिल्कुल भूखे मरे मतलब मर जाएं और भूखे से मुराद उनकी ये थी कि नैपा ने हमें बड़ी लिबर्टी दी हमें रुकने की भी जगह दे दी क्लासेस uh, में हम रुक जाते थे अगर रात को किसी का मूड हो रहा है रात को रुक गया क्लास में रुक गया wow, नैपा हमारे लिए घर था यार से से बहुत हमने एक पे याशी की स्पेशली दो तीन बैच ने शुरू किया जो दो तीन बैच होते हैं वो एक्सपेरिमेंट गिनी होते हैं उन उनके सारे एक्सपेरिमेंट होते हो उनको प्यार भी कर रहे होते हैं तो उन्होंने हमने वो शुरू कर दिया उसके बाद थिएटर का आगाज़ शुरू हुआ मेरा मैं थिएटर करना शुरू हुआ और अच्छा मैंने उस वक्त ना रेडियो मिस करना शुरू कर दिया था फ्रैंकली स्पीकिंग साल दो साल हो चुके थे मैं रेडियो नहीं कर रहा था व्हाट डिड यू मिस अबाउट रेडियो द लिबर्टी मी टॉकिंग टू पीपल एंड जस्ट ओपन मैं हा? जाके मेरी डायरी थी ना वो हा? मुझे हा? लिखने का शौक नहीं है हां सही है, तो मुझे बोलने का शौक है सही वो मेरी वो मेरा जर्नल था सही? मैं दिन भर की जितनी भी बकवास थी अपनी हाँ। इसका रोना उसके उसने मुझे, मुझे, सिग्नल तोड़ दिया मैंने उसको गाली दी ये, क्या वो किया ये करते कराते मैं अपने सारी दिल की बड़ा, और लोग जो मुझे अपनी बातें बताते थे मुझे इतना मजा आता था कोई मुझे डांट रहा है आपको तमीज नहीं है आप आधे घंटे लेट आए हैं आप शार बन गए कर दे यार भाई ये क्या है तू दे बाप है तो इस तरह ये सारी चीजें मैं मिस करता था तो फिर मैंने मेरे टीचर थे अभी भी हैं जिंदा तो माशाल्लाह से माशा उनको जिंदगी दे अरशद महमूद साहब मैंने उनको कहा सर बहुत पैसों की किल्लत हो रही है बहुत मर रहे हैं हम कर रहे हैं गुरबत में मरे जा रहे हैं अब अब मर जाएंगे यहाँ पे मैंने कहा तो क्या करना चाहते हो मैं कहा सर काम करना चाहता हूँ कहते तो वो तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा मैं कहा सर मैं बाहर जा भी नहीं रहा कहते क्या मतलब मैं कहा मैंने एक काम ढूंढा है सर पैसे भी कमा लूंगा और यहीं पर भी रहूंगा नैपा में कहते क्या

मैं, मैं अभी मैं बता दूँ जैसे मैं अभी आई थिंक तीन दिन के बाद घर से बाहर निकला हूँ जबरदस्त मैं निकलता ही नहीं हूँ और पेंडेमिक हो गया तो मेरे लिए तो आइडियल सिचुएशन है सही है <laughs> लेकिन मैं ऐसा था नहीं मैं मैं मेरा अभी ये पेंडेमिक से पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी रात को अपने घर पे हूँ मैं हमेशा बाहर रहता था मैं दस बजे हुए मेरी वालदा सोई या मेरी बेगम सोई मैं निकल गया बेगम तो अब रुकना शुरू हुई है क्योंकि बेगम बच्चा हो गया है, तो वो उसके रिश्तेदार रहती वाशार्ण, है वरना मेरा बेगम का ये प्लान तो यही होता था कि हम लोग रोज रात को निकलते थे रोज बाहर खाना खा रहे हैं घूम रहे, रहे हैं वही ना मुझे भी अब ये मैं कभी कभी परेशान भी होता हूँ इस चीज से पर परिस हर पॉडकास्ट मेरा हर काम रात में हो

वो कल रात को भी मेरे पास रात को मैं शो मैं रेडियो अभी करता हूँ तो मैं रेडियो करके कल घर आया हूँ दो ढाई बजे तो वो कहाँ मैं इधर ही हूँ मैं कहा आ जाए छत पे बैठे हैं या गाड़ी में करें। मैंने कहा छत पे भी बैठ सकते हैं कमरे में भी बैठ सकते हैं गाड़ी में भी घूम सकते हैं कहते यार सर्दी बहुत है घर में बैठते हैं हम लोग घर में बैठे कहते बैठ तीन चार छः बजे तक सुबह छः बजे तक, तक बातें होती रही क्या 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 लेकिन मैं कहता कि तो मैंने उनका काम उनसे काम करना शुरू कर दिया सही है अब उनको लगा कि यार याश आदमी ये कहाँ बतल... तो कर, हाँ। हाँ, कर ले कर ले हाँ। मैंने उनको बोला पाँच हजार दूंगा पाँच हजार दे देगा खुदा के वास्ते पाँच हज़ार चाहिए मुझे मुझे भी ये उस वक्त ना सी होती थी सही तो मेरे पास ऑल्टो गाड़ी थी तो मैं उसमें ना सौ रुपए की गैस जलाता था मेरा पूरा दिन निकल जाता था मुझे सिर्फ ये परेशानी थी कि मेरी गाड़ी जल जाए सही बाकी खाना क्या खाना है वो मैं किसी तरीके से कोई हो जाएगा कोई ना कोई दे देगा स्टूडेंट में आप होते हैं ना यही कुछ हो जाएगा हो जाएगा पाँच हजार चाहिए मुझे गाड़ी चलाने के की

फिर नापा चलता रहा थिएटर किया बहुत किया एक मुझे स्टोरी टेलिंग का आर्ट जो है मेरे टीचर्स ने बताया सही। किस तरीके से पढ़ते हैं लिटरेचर किस, किस तरीके से बोलते हैं किस तरीके से आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं जब मेरा वो हो गया दो ढाई साल हो चुका था और आधा साल रह गया था फिर मैंने नापा से गुस्ताखी की है? हाँ मैंने कहा कि सर मैं अब जो हूँ ना मैं काम करने जा रहा हूँ और आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे मुझे पता चल गया था कि कुछ कुछ कर कर थोड़ी सकते 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 हैं 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 ना ना निकाल ना हम डरे भी क्यों <laughs> <laughs> दो साल बना कहा <laughs> आप जाने दें सर मुझे मुझे उस वक्त दूसरे स्टेशन से से ऑफर आ चुकी थी रेडियो रेडियो की Radio से. अच्छा आपका अभी तक माशाल्लाह

तुमने सुना वहाँ पे क्या हाँ मैंने सुना और मैंने मान ली बात क्वेश्चन करना है हाँ। लेकिन उसको यूथ करें, करें वो तो हंसी मजाक करेंगे इसी तरह मैं तो जब करता हूँ ना लाइव जो मेरा चाह रहा होता है तो मैं लोगों के कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ स्पेशली बोला कि यार ये ना मुझसे हटा दो गुस्सा भी आ रहा था कि यार मैं यहाँ पे इतनी इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ पूरे दिन मैं मेहनत करके आता हूँ मैं बता रहा हूँ कि इस तरह हुआ फिर इस तरह हुआ यो और कमेंट देखो अरे मिनार् भाई क्या बात कर रहे <laughs> 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 एक अलग टेंशन पे चैट चल रही है नहीं वो सारे सोशल कमेंटेटर्स यही बोलते हैं ना कि द इंटरनेट इज अनडीफीटेड इंटरनेट को आप नहीं हरा नहीं सकते जैसे मैं मिनार् भाई बता रहा हूं आपको आई हैड अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन विद अरिजा जाफरानी शी इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन क्लोज तो नहीं पर शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत पुरानी दोस्त हैं साइकोलॉजिस्ट है तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं ये बोल रहे वो बोल रहे राइट और अच्छी गुफ्तगु और मेरी इतनी रीच नहीं है जितनी आपकी है।, है लेकिन उसमें भी उसमें भी YouTube कॉमेंट में अच्छा अब ये जो बंदा था ये मेरे से अग्री कर रहा था अग्रीमेंट में क्या आता है ये टकले ने बात तो सही की <laughs> <laughs> अबे भाई <laughs> बॉडी शेविंग तो हमारा एक जोक है ना हमारा हमारा तो क्रैक करते हैं बहराम

यार kind of yeah, uh, होता ही था कि जैसे हर घर में होता है ना सारे कजन आए hmm. तो सारे पूरे दिन की हंसी मजाक के बाद कॉन्वर्जेसन हमेशा एंड होती थी हॉरर हॉर वाक अच्छा yes. मेरे यहाँ uh, कहानियाँ सुनाने का बड़ा रिवाज है मेरी अम्मी भी बड़ी कहानियाँ हमें सुनाती थी hmm. मेरे नाना भी कहानियाँ सुनाते okay. थे बाद में पता चला कि सबका जो है कोई ना कोई शेक्सपियन स्टाइल से थिएटर से किसी ना किसी का ताल्लुक रहा है नाना इंडिया में थिएटर थोड़ा बहुत करते थे हाँ। अम्मी को कहानियाँ सुनाने का वो शौक था तो अम्मी कहानियां दी थी तो हम मुझे भी शौक था सुना और ये मुझे पता नहीं था ये बात मुझे शौक है या मुझे हाँ। मुझे मुझे बोरिंग लगती थी चीजें कहानी सुनाने क्या सुना की बैठी और अनकॉन्शियसली मैं समझ आता ये सारी चीजें तो ये मैंने फिर रेडियो उस वक्त मैंने ये देखा था कि कोई उस पर छः सात चैनल से सही मैं बैठता था हम प्रोग्रामिंग की टीम बैठते थे तो हम सबके होता है ना कि आप अब आप पॉडकास्ट आप, आप, आप करें आपको पता है कि आपके कम्पटिटर्स क्या क्या हैं कौन कौन है सही एक आ, दो हैं जो हैं वो आ, कर रहे हैं तो आप उनको भी देखते हैं सुनते हैं वो क्या, आ, क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं अलग क्या है हमारे उसमें क्या आ, तो हम भी ये करते थे कि रेडियो बाकी चैनल से सुन रहे हैं बाकी आर से तो मेरा हमेशा से ये सवाल होता था कि यार मैं मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा जब लोधी शो कर रहा है एक जगह पे या असफमानी शो कर रहे हैं तो मैं कैसे स्टैंड आउट सही उनका सेलिब्रिटी ज्यादा बड़ा है <coughs> उनका स्टेटस बड़ा है हाँ। वो तो टीवी पे भी आ रहा है उनका नाम भी बड़ा है तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा हाँ। 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 तो वो कहते थे प्रोग्राम से मैं कहता प्रोग्राम में क्या करूँ वही प्रोग्राम वो अब आप नोट करें जितने भी रेडियो के प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ असफमानी मेरा मेरा तो चले फिर भी बात की बात है साइड होती फॉर इन दोनों के शोज गानों पर बेस नहीं थे पर्सनैलिटीज बेस पे बेस्ट थे कहानियों पे वाकत पे बेस्ट थे टॉपिक्स पे बेस थे सही ये और आसो मानी तो बिल्कुल शो नहीं वो तो गाने नहीं चलाते थे ना तो बिल्कुल एक गाना नहीं चलता था हाँ, सही मेरा भी यही था मेरा सही. भी एक गाना आज तक नहीं चला मैं सही.

मैं अगर उससे आपको ये नहीं करवा पा रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कहानी सच्ची है झूठी है तो फिर साउंड इफेक्ट का कोई फायदा नहीं है इंटरेस्टिंग साउंड इफेक्ट तो सिर्फ आ, उस चीज को हाईलाइट करेगा ना एक अच्छी थोड़ा सा एक डेप्थ दे देगा दैट्स इट और लाइव शो में मैं कैसे करूंगा बार बार में मैं, मैं दरवाजे की तरफ गया दरवाजा डॉट वेव क्लिक <laughs> <laughs> और मेरा एक मसला था कि मैं जब ये कहानियां बताता हूं तो मेरा एक रूल है मेरे स्टूडियो में कोई भी ना हो मेरे स्टूडियो का दरवाज़ा सबको मालूम है कि वो बारह बजेंगे मिनाज ने बटन दबाया कोई नहीं दरवाज़ा खोलेगा कोई अंदर नहीं आएगा कोई बाहर नहीं जाएगा <clears throat> क्योंकि कौन मेरा सारा फोकस का मसला है कंसंट्रेशन का right, मैं कहानी सुना रहा हूँ मैं हल्की सी भी इधर उधर फटक फड़क होगी मैं अंदर देखूंगा मेरी कंसंट्रेशन चली जाएगी मेरा और, और, और खत्म हो जाएगा फट के हाथ में भी आ जाएगी <laughs> और ऐसे बात स्टोरी सुना रहे हो तो ना ये क्या हो रहा है बट नहीं मिनाज भाई मैंने आपको व्हेन वी गॉट टू स्पीकिंग थ्रू हम हमजा भाई तो उसमें मैंने आपको ये बोला आपने बोला भाई यू नो व्हाट व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट और मेरा हमेशा उसको तो नहीं बोलेंगे लेकिन मेरी हमेशा स्टार्टिंग यही होता है कि वी विल टॉक टॉक अबाउट वांट टू अबाउट लेकिन हॉरर इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी बिकॉज द देट आउट ऑफ मी राइट नहीं नो यू विल नेवर आप मतलब बांध के बैठा दो तो वो आप अलग बात एक और बात है कि आपने एक्सरसाइज बांध के बैठा के दिखा दी मुझे hmm. नहीं देखूंगा मैं नहीं देखूंगा नॉट इंटरेस्टेड राइट बट हॉरर एज अ जॉनर इज फॉर जो हमारे वीक और ओप्रेस्ड लोग होते हैं होती है उनके लिए जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर जॉनर इज रिवेंज हॉरर जो खुतिन के ऊपर बेस्ड होता है तो खातिन जैसे ओप्रेस्ड होती हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं तो मुझे जो इंटरेस्ट था ना वो इस चीज़ में था कि सो मैनी पीपल आर ड्रॉन टू यू फॉर टू रीजन्न बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू टेल स्टोरी बट टू ऑलो बिकॉज हॉरर ड्रॉज दैम बिकॉज इट इज़ समथिंग आप देखो ना जो जो हॉरर में जो भी कहानियाँ होंगी हर कोई अपने कल्चर के हिसाब से उसको उसमें फ्लेवर होता है ठीक है ना इफ इट्स सिंधी हॉरर स्टोरी विल बी द रिच दे समेक डॉटर द वेराज डॉटर नेवर द किसान का डॉटर इट्स इंटरेस्टिंग पश्तो हॉरर स्टोरी होगी अलग होगा एंड दैट्स सो इंटरेस्टिंग

मसला ये कि हमारे यहाँ ना जो मेन स्ट्रीम रेडियो हो गया या मीडियम हो गया टीवी का हो गया ये दो है ना भाई सही 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 अब सबसे बड़ा तो टीवी है हाँ माशाल्लाह से ये वो दिखाते हैं जो जो टीआरपी आती है जिसको टीआरपी कहते हैं लोग रेटिंग्स आती हैं ratings, है। जो बिकता है अब रेटिंग जो है वो पाँच सौ घरों से आती हैं राइट आप बाईस आबादी है right. आब अब जनरलाइज हाँ, किया जाता है सही अब अब जाके शायद पाँच हजार घर हो गए होंगे आपको यार देखो कहानी हमारी, ना। हमारी कहानी है। हाँ। हमारे पास पाकिस्तान के पास बेस्ट चीज़ है कहानी सही पर बहुत सारी कहानिया है हमारे पास रिलीज कहानियां भी है और रिलीजन में हमारे पास सारे मजाहब है ना हमारा इस्लाम भी है क्रिश्चियनिटी भी है हिंदुजम भी क्योंकि इस खत्ते में हिंदुजम भी बहुत रहा है बिल्कुल तो पार्टीशन से पहले बहुत सारे यहाँ पे हिंदू कम्य हाँ, हाँ। तो पर कहानियाँ बहुत है और ये सारी जो स्पेशली मेरा जो है वो है ही कहानियों बेस्ड सही तो है यस yes. इसकी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए तो ब, जो हम कहते हैं ना यू और जिन्नात right, और right, ये right, और right, वो right, right, right. उनके उनके बारे में आ, किताबों में भी मिला है बिल्कुल मजहबी किताबों में भी मिला है लिटरेचर में भी मिला है शायरी में भी मिला है लेकिन उससे पहले भी मिला है उससे पहले कैसे मिला ग़ारों में ड्राॅइंग्स के थ्रू <laughs> जो बेचारे केव मैन थे <laughs> अब वो इतने सारे जगहें मिली हैं बलोचिस्तान में मिली हैं दुनिया भर में मिली हैं जहाँ पे गार बने हुए उस पर ड्राॅइंग्स मिली हैं ड्राइंग्स यहाँ मिली हैं इंसान जो है वो किसी को मार रहे हैं सही। सबसे पहले इंसान ने आती अभी सोचे ना कि इंसान आया दुनिया में क्या क्या होगा उसको भूख लगी होगी दो चार दिन वो उसे घूमा होगा मरी वरी पहाड़ देखे होंगे <laughs> वाह वाह वा, जबरदस्त फिर उसको भूख लगी होगी यार क्या हो रहा है ये पेट में दर्द हो रहा है हाँ। औरत को भी पेट में दर्द हुआ होगा मर्द को भी पेट में दर्द हुआ होगा मर्द जरा ज्यादा शायद स्ट्रॉन्ग था उसका भागता हुआ गया होगा उसको कुछ नजर आया उसने पकड़ लिया उसने खा लिया उसने पेट भर गया हाँ। अब क्या करे जब पेट भर गया अब इंटरटेनमेंट चाहिए जब पेट भर जाएगा तो इंटरटेनमेंट चाहिए इंटरटेनमेंट में क्या है कहानियाँ आ जाती है सही जो किससे वाक्यात में उधर गया तो वहां पे ये हुआ मैं दरवाजे के पीछे काम कर रहा था दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया वो हो गया इस तरह हो गया मैं यहाँ बैठा था वो सया यूं गुजरा य मुझे पता है कि बहुत सारी बातें इसमें वो भी हैं फेक भी हैं फेक नहीं आ, Inflated? मिस, मिस अंडरस्टैंडिंग हाँ? मि, हाँ, हैं सही थीके, थीके। लेकिन कुछ हकीकत है इसमें सही है सही. कुछ रियलिटी है और रियलिटी मिस्ट्रीज की होती हैं Mysteries दुनिया भर में रही है। uh, October, तो कोई मुझे बता दे कि पिरामिड्स बने कैसे अभी तक नहीं बता सके अब पता है क्यों मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था ए, की बात है कि मुझे अभी यह बात याद आई है जैसे हमने बोला कि सिर्फ जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना वो

फिजिक्स का और साइंस का उनके पास फॉर्मूला होगा और उन्होंने हाँ, कुछ किया होगा किस तरह क्योंकि दो ही चीज़ें हैं ना साइंस है और मजहब है Yes. दो चीजें चल रही हैं yes, दो पैरल साथ साथ yes. चल रहे हैं मुझे ये लगता है कि साइंस मजहब को लॉजिकली डिफाइन करने के लिए हमेशा लगा रहता है कोशिश करता, करता है कोशिश करता है हाँ, हाँ। मजहब नहीं कर रहा होता नहीं नहीं ये मेरा मानना हाँ. हो सकता है कोई साइंस का मोहब्बत करने वालों का ये क्या बकवास बात कर रहे हो नहीं तो वो करता रहे लेकिन सारे बहुत सारे फिलोसोफर्स ने भी ये माना हुआ है कि साइंस ओनली आंसर्स द हाउ क्वेश्चंस ठीक है ना हाउ डिड यू जस्ट लाइक दैट सिगरेट व्हाट इज इन द सिगरेट हाउ डज इट मेक यू फील व्हाई क्वेश्चंस दीन नहीं ये तो अच्छा फिर ये अब कमिंग बैक टू तो ये हमने वो केस वगैरह में मिला है उसके बाद

करेंगे <laughs> बहुत बहुत कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। सथी। सथी। बहुत सारे लोगों ने किया आपके पास है पीक पे येस। येस। हो गया, जो भी हो गया बंद कर दिया एक बैटल ऑफ द बैंड हो रहा था पेप्सी वो बंद कर खत्म छोड़ दिया दो एक सीजन करके वो खत्म कर दिया वो भी रोहल हयात अब ये आपका सी चल रहा है ये भी बीच में खत्म कर दिया था

एस टी एन आता था हमारे पी टी वी के बाद पहला इफ आई एम नॉट पहला प्राइवेट चैनल एस टी एन था ऐसे कुछ था एन टी एम था एस टी एन था सही आगा, आगा। तो उधर पी टी वी में भी पी टी वी पर भी एक मिस्ट्री थिएटर नाम का एक ड्रामे की सीरीज चलती थी अच्छा उसमें मिस्ट्री होती थी मिस्ट्रीज होती सही, थी सही थ्रिलर हो गया ऐसे कुछ थ्रिलर हो गया मिस्ट्रीज हो गई सारी हो गई इस तरह की और बड़ी मज़ेदार होती थी सही जैसे एक मुझे याद है जो अभी नबील एक्टर है जो बुलबुले जो करते हैं सही सही है वो अभी तो कॉमेडी में मशहूर है लेकिन उनका एक मुझे प्ले याद है और सिर्फ उस सीन याद है कि वो आ, मैं तो अपनी माँ से मिलने जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया उसका एक्सीडेंट हो गया था उसकी कहानी इस तरह की थी एक्सीडेंट हो गया और रूह भटक रही है और वो लोगों को मिलती है वो मैं तो जा रहा था मैं जा रहा था इस तरह की बात सही वो मुझे क्लिक कर गई उस वक्त यार ये हॉरर जॉनर इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं तीन चार ड्रामे चल रहे हैं ये चीज़ें जो मुझे मजे की लगी सही मैं ये हिचकॉक वगैरह के वो वो वाला मेरे पास एंगल आया वो मैंने देखा ये क्या कहानी है सही है वो सारी गॉड फादर और ये और वो वो हैं है। सब हैं उनके भी लेकिन ये भी एक चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है अच्छा फिर फिर आपने किस जमाने में देखी एक जमाना था जो मेरे जैसे मेरे बाबा का जो जमाना था ना उस जमाने में डेयर दिए जाते थे कि सिनेमा में बैठ के अकेले देख लो

Well, नहीं मुख्तफ मुख्तलि आई एम sure, श्योर मैं तो ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ हाँ. अब आई एम श्योर के बेहतर पैरामीटर्स आ गए होंगे या टेक्नोलॉजी आ गई मोबाइल आ गई हाँ, तो लेकिन यार कॉन्टेंट कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा सही आ, टीवी बड़े मुश्किल टाइम से भी गुजर रहे अभी तो हाँ सब कुछ मुश्किल है, अभी नहीं जब से गवर्नमेंट आई है जब से

मैं उसको मैनुपलेट कर सकता हूँ बहुत आसानी से सही कैसे मैं अभी कल असवाई को भी बताया था बहुत आसानी से कर सकता हूँ कि मैं एक फेक बाबा क्रिएट करूँ पीर आमिल, फामिल, वो, काले जादू वाले आ, आ, आ। और मैं बोलूँ कि आपका मसला है काले जादू का इनसे बात करें ये आपका मसला सॉल्व करेंगे बीच का मेरा कमीशन है सही। जो ऑडियंस को पता चलेगा नहीं। मेरा उस बाबा से डील होगी और मैं पैसे अरब करोड़ रुपए कमा सकता हूँ मैं मैं उस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ हाँ। कि मैं लोगों को मैनुपलेट कर सकता हूँ मैं इतने सालों से कर रहा हूँ मैंने एक नाम बनाया उस पर हाँ। उस पर ही नाम बनाया हाँ। लेकिन मैंने उस पावर को मिस नहीं किया अभी तक अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मिसयूज नहीं किया तो मुझे बस यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जब आपके पास Uh, आप रीच आ गई आपके पास चैनल बड़ा हो गया आपके पास सब कुछ है आपके पास चौबीस घंटे कंटेंट कॉन्टेंट दिखाने के उसमें से एक घंटा आप आर्ट्स को तो देते दें एक घंटा क्रिएटिव कंटेंट uh, को दे दें दे। मनोज भाई मैं समझता हूँ पैराडाइम शिफ्ट इस तरीके से हुआ है कि वही आपने बोला ना जब बिजनेसमैन को एक फॉर्मूला मिलता है ना द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज कि यू मी अस वी विल्वज आर्टिस्ट्स फर्स्ट

मैं अब मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं हाँ, देख हाँ, रहे हैं हाँ, हाँ। पैसा आ जाएगा अगर आप एक आपने, अपने फोकस हाँ। है, आपको नहीं पता चल रहा, आप जा रहे हैं हाँ। फिर पैसा आपके पास मुझ् आप सो भी जाएगा लेकिन अल्लाह देने वाला है तो फर्म बिलीव करता हूँ मैं रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं हूँ लेकिन मैं इन बात पर जानता हूँ कि मैंने दो साल काम नहीं किया अभी कोई पाँच छः साल पहले हाँ। दो साल मैंने बिल्कुल काम नहीं किया बिल्कुल काम नहीं मैं घर पे बैठा था मैं सिर्फ चार साल पहले मेरा हाँ। बेटा हुआ तो मैं मैं और मेरी बेगम ने बहुत काम किया हाँ। बच्चे से पहले हमारी शादी को ग्यारह साल होने वाले माशाल्लाह से, से छः साल हमने पार्टी की है काजिम ने पार्टी की है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस ने हमें, ने हमें देखा ना अपनी नजर उतारा करो तुम लोग हर वक्त घूमते हो हम लोग पैसे कमाते थे और घूमने के लिए जाते थे सही। पैसे आए चेक आ गया सना ना चलो भैया करो खाना खा रहे ये कर रहे वो उधर चलते हैं वो वहाँ का वीजा खुला वा, हुआ वहाँ चलते, है। चलो, चलते, चलते, yes, चलते yes, yes, yes. लेकिन जैसी वो खबर आई ना कि भाई अब हम माँ बाप बनने वाले so मैं यार अब जो है ना वो टाइम आ गया कि मैंने और सना बैठे हमने कहा यार हमने सब कुछ कर लिया सारी ए लिस्ट पार्टीज अटेंड कर ली हमने अच्छी से अच्छा मुल्क देख लिया

आमूमन देखता हूँ वालदैन जो होते हैं ना कोई दादी होती है कोई नानी होती है जल्दी प, बच्चे पैदा कर दो दो तीन किसके लिए भाई आप संभालेंगी हाँ, कौन संभालेगा क्योंकि तो, वही वाली बात है ना जो इंग्लिश में कहा होता है इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड यस यस इट इज बच्चा is. जो होता है और मजे की बात यह है कि टिल द एज ऑफ आई थिंक बोलते यही है 4-5 साल द बेबी कैन कंज्यूम एन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट टेन टाइम्स द रेट दैट यू कैन अभी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है ना हाँ? वो कुछ भी नहीं होगी मेरे चार साल या चार साल के बच्चे क्योंकि वो हर चीज देख रहा है, है? आपने आपने अपने अपनी आपने उनकी मम्मी को आंख दिखाई नहीं दिखाई हंसे नहीं हंसे पता है? बेबी को हर चीज में क्यूँकी अपने बच्चे का ही देख के बता सकता हूँ बाकी सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं इतने ब्लैक होते हैं उनको पता है ये बाप है ना ये बात नहीं मानेगा नहीं। ये इमोशनल नहीं है मम्मी के पास जाना पड़ेगा अम्मा को अम्मा। अब, वो अब अब वो काम करती है मैं भी काम करता हूँ तो उसको पता है कि मैंने माँ से किस तरह बात करनी है ताकि मुझे टॉय मिल जाए बाप को तो मैं इसको मैं ब्रेक नहीं कर पा नहीं। रहा कि ये किस तरह हूँ ये तो बैठा रहता है अपने काम पे मैं रोता रहूँ गिर जाऊँ ये नहीं उठता तो हमने ये इस डेलीवरेटली एक ब्रेक ली थी मुझे बड़ा मुझे सुकून है मुझे अच्छा लगा कि मैंने हाँ, अपने और लोगों ने मुझे वो भी बोला कि काम नहीं रहे तो इनकी ख़त्म हो गया इनका सब खत्म हो गया इनके बस यही था इनके पास जो आपके पता है ना जो सोशल कमेंट्री होती है ये यह बस यही थे कुछ लोग मिराज भाई ये इरफान भाई भी ऑफिन बोलते रहते हैं और आ, वो भी इसी वजह से बोल रहे हैं कि वन यू अचीवन लेवल ऑफ सक्सेस ना हमारे माशरे में एक सेल्फ हीट है एंड बिकॉज यू आर वन ऑफ अस

मैं ना बता रहा हूँ ना, ना, ना मैं हम छ महीने एक ड्रामे की प्रोडक्शन को दे देते हैं, सही है? हमें पीनेट्स मिलते हैं। जो असल चंक होता है वो तो ले जाते। फायदा उसको, उस उसको छ महीने देते अबे जो हमारी चीज है उसको तो टाइम दो हमारा बच्चा है ना वो तो सबसे बड़ी प्रोडक्शन है आगे तक उसने जाना है क्या क्या करना है एक तरीके अगर ज्यादा लोग आपकी तरह सोचना शुरू करें दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ योर सोसाइटी और अगर आप hmm. जैसे अब आप मेरे से शायद पाँच छः साल ही बड़े हो गए लेकिन आपकी जनरेशन में मेरी जनरेशन में हमें एक ये एक किस्म से हसरत बोलते हैं इसको एक वॉन्टिंग ही रहेगा hmm. ऐसे माई फादर एंड माई मदर वर्क एक्सट्रीमली हार्ड बट इन नो वर्टर डूंग यू नो क्योंकि माई मॉम शी वु कंप्लीटली यू नो टीचर्स हमें सिखाती थी बाबा का काम क्या था हर मर्द का काम क्या होता है पैसे घर चलाना उसता मैं आपका

ओन न्यूज़ पेपर अरे तो रात में उनका काम होता था प्रिंटिंग इन ऑल दोंग उसमें से ब्रेक लेके आते थे ब्रेक भी उनको कब मिलता था जब कॉपी डाउन होती थी सुबह के एक या दो बजे nah. अब एक या दो बजे हैदराबाद में क्या खुला हुआ होगा कराची भी हुआ। में ही बहुत कम चीज़ें होती hmm. हैबाद स्मॉलेस्ट सिटी तो एक मुझे अभी भी याद है एक वहाँ पर होती थी शेल पेट्रोल पंप होता था उसकी सेलेक्ट शॉप खुली हुई होती थी अभी मुझे याद है विविडली फिर बाबा हमें वहाँ लेके जाते थे राइट बिकॉज देखो इट्स नॉट दैट ही डिट ट्राई इट्स जस्ट दैट ही डिट नो एनी बेटर राइट उनको बोला गया भाई बेतहाशा पैसे कमाने पड़ेंगे आपको इफ यू वॉन्ट टू गिव दम अ गुड लाइफ ये तो बाद में पता पड़ा ना कि यार आपका वहाँ होना इतना जरूरी है अपने बच्चे के लिए सिर्फ माँ का नहीं बाप का होना इतना जरूरी है बिकॉज इंटरेस्टिंग इज वही के अब बाबा देखते हैं

सबसे तो पहला फड्डा बाप से क्योंकि सही, सही। आपको दोस्त सारे अच्छे लग रहे होते हैं हाँ। कजन की बातें सारी अच्छी बाप लग रहा था होंगे से गुजरा आपको पता है आपका जमाना तो ये था तो वो मेरी मैं चार साल चार साल तीन साल जो मेरा वो चौदह से सत्रह साल का था वो तो मेरा अब्बा से वो कॉन्फ्लिक्ट गुजरा

मेरे बाप मेरे बाप मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं था हाँ। मेरा बाप बहुत था था मुझसे मैं पहला पहला बेटा बेटा पूरे अपने ददियाल में हाँ। पहला बेटा था हाँ। उस में उस जमाने लखनऊ के भी हैं तो जरा और नवाबियत है फिर दादी की दादी की मोहब्बत ये चाचा ये मैं इतना लेकिन उसमें मेरे अब्बा का कोई था मेरा था क्योंकि मैं बच बचपन में था अपने टीनेजर एग्रेशन तो मुझे ये था क्या मैं अपने बच्चे को ना ये फीलिंग नहीं आने दूंगा कि मेरे बाप को कुछ नहीं मारूँ अब मेरा बच्चा यूट्यूब कर रहा होता है ना तो मैं उसको बताता हूँ बेटा तेरे हाँ। बाप का भी यूट्यूब चैनल है वाँ। really? Really, वाँ। हाँ।, तो हाँ बेटा तू तो ज्यादा फ्री नहीं होना पता हाँ। है <laughs> तो क्या यूट्यूब पे करेगा आगे जाके मुझे सब पता है तो मुझे मैंने मेरा ये एक वो था कंसर्न कि मैं अपने बच्चे को ना इस तरह, सना का का अलग अलग है है मेरी बेगम का आ, अलग है, आ, वो जरा समझाता रहता हूँ माँ तो नहीं समझेगी तू ही समझ जा मैं हूँ तेरे साथ फिक्र ना कर अम्मा की भी सुन लिया कर मेरी भी सुन लिया कर रिलैक्स है ये इस तरह चल रहा है अभी लेकिन मुझे बस ये है कि आ, एक बड़ी, मेरे बड़ी रैंडम रैंडम बातें हो रही हैं हाँ। मुझे जो है ना मेरे खानदान में उम्रें छोटी हैं किस चीज की उम्रें भाई इंसान की ना हमारी अच्छे सब उ, की मेराब्बा की 54 में डेथ हो गई मेरे ताया की भी 55 54 में डेथ हो गई मेरी अभी रिसेंटली मेरी बहन की शी वाज 41 42 उनकी डेथ हो गई तो मुझे एक डर है क्या मैं खुद अभी जो ना थर्टी फाइव थर्टी सेवन का हो गया अल्लाह खैर करे क्या हो गया यार नहीं वो आता है ना आपके पास जब तीन चार फिर मेरे मामू का भी ऐसा हो गया रैंडम मेरे कजन का एक हो गया हा? और ये सारी चीजें ना मैं कभी भी ऐसा नहीं था ये बच्चे के बाद हुआ यस, तो मुझे तो है कि यार अगर अल्लाह ना करे अल्लाह नेगर मैं चला गया तो मेरा बच्चा क्या करेगा कैसे कर होगा तो मुझे इसको अभी पंद्रह साल का बना देना है

बंद हो गए बंद हो गए जितने पैसे थे सारे वो तो यहाँ पड़े हुए हैं तो था मैं देख रहा था कि मेरे के सामने किसी के पास एक करोड़ की हारले खड़ी हुई है पैसी खड़ी भी है अब पूछा था क्या किया तू ने इसके करोड़ का कुछ नहीं हो रहा वो तो चले अल्लाह का शुक्र है अब हालात थोड़े से बेहतर अब तो खैर बिल्कुल नहीं हो रहे अब तो

सिर्फ इट्स नॉट जस्ट दैट अब 2020 है साइड का कर्म था और आपकी मेहनत हो गया लेकिन अब हम पीछे बैठ के एनालाइज कर रहे हैं तभी तभीर दैट बिन एक्सप्लोर इट वॉज ऑल्सो योर स्टाइल है ना इट वॉज ऑल्सो दट यू वॉज सो ऑथेंटिक इन योर डिलीवरी आपने बोला कि भाई मैंने बैठ के बातें करनी है अनरिस्ट्रिक्टेड बेसिकली राइट और हॉरर वैसे भी ऐसा जान रहा है जिसमें रिस्ट्रिक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती वो है नहीं सकती ना हाँ तो वाट्स द स्कैरिएस्ट नहीं बोलो वॉट्स वन स्टोरी जिसका सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको और थिंक रिस्पॉन्स अच्छा मिला यार मेरे जो ताया के वाकत हैं ना जो असल वाक़ हैं oh, अरे मैंने नहीं कभी आज तक झूठ नहीं बोला एक मैं बाबा अच्छा मैं जितने भी अपने अपने जो मेरा आउटपुट रहा है शो के लिए

बहुत दफा मैं बता चुका हूँ रेडियो पे भी पॉपुलर पॉपुलर तो नहीं पता पता है जो सुनते हैं uh, वो थे बी एफ सी एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन आई थिंक कराची में थे तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई एस एस जी सी सुन गया चेयरमैन बन गए पीछे खानी पॉलिटिकल इंक्लूशन की तो उनको वो रातों रात चेयरमैन बन गए उनको वो इस्लाम आबाद मूव होना पड़ गया इस्लाम आबाद चले गए वो सही तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक घर मिला जब वो उस घर गए तो वो घर की रेनोवेशन और अजीब गंदा सा था तो उन्हें कहा रेनोवेट करा, कराना पड़ेगा तो रहने के लायक नहीं है तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी रेनोवेशन में दो तीन महीने लगेंगे अभी हम आपको एक दूसरा घर दे देते हैं में कोई आए कोई ऐसी कोई जगह थी मुझे अब याद नहीं उन्होंने कहा ठीक है ये इस घर में आप लोग अभी थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो जाए दो ढाई महीने के लिए फ़ैमिली जब तक वो घर बन जाएगा उस फिर आप शिफ्ट हो जाएगा वो उस घर चले गए उस घर गए तो वो कहते हैं कि मैं ताई कहते हैं कि दो दिन तीन दिन ही हुए थे शिफ्ट हुए कि मैं ऐसी बाहर निकली गली में देखें नेबर्स में कौन कौन है मिले मिला तो कहते मैं पार्क में बैठी भी थी तो एक अचानक से आंटी आई रैंडम बूढ़ी औरत आई कहती है आप इस घर में शिफ्ट हुई हैं कहती जी उन्होंने कुछ कहते हुए उन्होंने बस कुछ कहा नहीं उन्होंने कहा मैं आपको ये तावीज़ देना चाहती हूँ अपने तावीज़ अपने पास रखेगा बस अरे बड़ी फिल्मी कहानी है अपने पास रखेगा और इसको अपने से दूर मत करेगा और इस अपना ख्याल रखेगा उन्होंने ये बोले उन्होंने कहा जी उनको लगे ठीक है रख लेते हैं तावीज रख लिया उन्होंने जाके कमर में कमरे में कहीं कबर में रख दिया छोटे मोटे वाक़ होना शुरू हुए चीजें गायब हो रही हैं जो होता है ना आपको लगता है कि अब मैंने अभी चाबियाँ रखी थी हो सकता है पता नहीं मेरा दिमाग खराब हाँ है हाँ 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 मैं भूल गया हूँ किस तरह छोटी मोटी चीज़ों में बंदा रैशनलाइज करता है यार मैंने भूल गया हाँ भूल गया कहते हैं जो पहला वाक्य हुआ बड़ा वो ये हुआ कि उनका घर था ग्राउंड पे आ, डाइनिंग रूम था किचन था फर्स्ट फ्लोर पे दो कमरे थे सेकंड फ्लोर पे दो कमरे थे और उनकी चार बेटियां थी तो दो दो एक कमरे में सबको दे दिया था तो उन्होंने रात का खाना था आठ नौ बजे उन्होंने खाना वाना बनाया और नीचे प्लेट्स लगाई डाइनिंग टेबल पर ऐसे होता है और फिर आवाज़ ही देना शुरू की भाई आ जाओ बेटा तुम तो आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ तो, जाओ तो, जाओ। तो तीन बेटियाँ उसमें से आ गई एक बेटी नहीं आई उन्होंने कहा वो आवाज़ दे जा रही है उसको बेटा आ जाओ खाना ठंडा हो रहा है रोटी ठंडी हो रही है आ जाओ वो जवाब ना दें इनको गुस्सा आ गया उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है कि जवाब भी नहीं दे रही है और आ भी नहीं रही है क्या चक्कर है ये ऊपर सेकेंड फ्लोर पर उसका कमरा था वो चली गई सेकेंड फ्लोर पर उनके कमरे में गई हैं उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने देखा है कि कमरे का जो हाल था ना वो बेहाल हुआ सारी है सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी चीज़ें कमरे की सारी टेबल्स के में से सामान निकला हुआ है बिस्तर उल्टा सुधा हुआ हुआ है और सामने मेरी कज़न खड़ी हुई है और उसने वार्ड्रोप खोला हुआ है अलमारी खोली हुई है और अलमारी में से चीज़ें निकाल निकाल के फेंक तो रही है तो इन्होंने कहा बेटा नाम लिया उन्होंने कहा क्या कर रही हो तुम और तुम्हें इतनी देर से आवाज़ दे रही हो तुम आ नहीं रही हो तो उसे बस पलट के इस तरह यूँ करके नोट किया कि हाँ मैं आ रही हूँ इस तरह उनको लगा कि नोट किया उसने ठीक है आ जाओ जल्दी आ जाओ उनको अजीब सा भी लगा कि कर क्या रही है है उनका तुम आ जाओ जल्दी से दरवाज़ा बंद किया नीचे गई हैं डाइनिंग रूम में गई हैं तो वही बेटी वहाँ बैठी है अच्छा तो वो कहती कि तुम यहाँ के कहती मम्मी मैं तो नीचे थी आप क्या वो हाँ। उप, कहती मैं ऊपर कौन था फिर ऊपर भागी हैं जाके देखा तो वो कमरा बिल्कुल वैसे ही बिखरा हुआ सामान वामान गिरा हुआ सब और वो अलमारी खुली हुई पता ही बाद में चला कि उस अलमारी के अंदर वो तावीज़ जो उन्होंने दिया था हाँ। आंटी ने वो वहाँ रखा हुआ था उस तो तावीज़ को उस अलमारी के अंदर तो वो जो भी चीज़ थी वो तावीज़ को ढूंढ रही थी ढूँढ रही ढूंढ रही, रही थी वो कैसे पता चला उसके बाद जो है ना फिर वाक़ होना शुरू हुए अच्छा फिर प्रेजेंस मतलब प्रॉपर तरीके से फील Uh, मेरी ताया ताई सो रहे कमरे में रात का कोई तीन चार बजे का टाइम था हाँ. आप होते हैं ना आप सो रहे होते हैं करवट ले फिर आप करवट लेते हैं इधर उधर तो मेरी ताई ने करवट ली तो उनको लगा कि उनको जीप होता है ना आप करवट लेते तो आपकी एक सेकंड के लिए आँख खुलती आँख ने 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 है आपके आँख खोली उन्होंने उन्होंने देखा कि मेरे ताया और मेरी ताई के बीच में एक औरत लेटी हुई है और वो उठी है उतर के गई है बिस्तर से और वो दरवाजे से थ्रू हो गई गुड सही है जी और ये कोई रात की थी उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया ये अब सारे सिग्नल्स मिल चुके हैं यहाँ से जा का टाइम आ चुके बिल्कुल है। बिल्कुल और रातों रात शिफ्टिंग की सब किया लास्ट डे उनका शिफ्टिंग का था ये छोटी मोटी चीज़ें रह गई पंखे रह गए हो गए जो होते आपके गाड़ी में डालने वाला सामान तो उनको ऑर्डर्स ये हो गए थे रिलीजस पर्सनलिटी से कि आप इस घर जा तो नहीं हैं बस मगरब से पहले पहले सामान उठा के मगरब ना आप उस घर में स्पेंड करें कहा ठीक है वो और आ, मेरी ताई और मेरी दो कजन्स जो हैं वो गई और उन्होंने जो भी बचा कुछा सामान था वो होता नहीं आप जब घर आते हैं अपने तो आप दुपट्टा साइड में रखते हैं एक टेबल पे रखा उन्होंने और सामान वामान उठाया पैक किया जल्दी जल्दी करो जल्दी मगरब से पहले करना हाँ। करने वो करना सारा सामान गाड़ी में रख दिया ताई ने भी देख लिया भाई सारा सामान हो गया बस सही है मगरब का टाइम होने वाला था उन्होंने कहा चलो बस निकलते हैं दुपट्टा उड़ा गाड़ी में जाके बैठ गए मेरी कज़न्स अब आ रही थी वापस मेरी कजन्स को थोड़ी सी शरारत सूझी मैंने कहा यार हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं है ऐसा ये मेरी अम्मी के साथ हुआ है उसके साथ हुआ है इसके साथ हुआ है तो क्या कहते हम जरा चेक करें हाँ तो उन्होंने कहा हाँ चेक करते हैं उन्होंने कहा ऐसी बस खाली घर में बोल दिया कि जो कोई भी है लास्ट टाइम अपनी प्रेजेंस दिखा दे अच्छा प्रेजेंस दिखा दे मांग के हाँ मांग के ले अरे जा इधर आओ हम आम खड़े कहते ये हमने कहा हम मेन गेट पे खड़े हुए थे वो लोग मेन गेट पे खड़े थे सामने कमरा था कमरे की लाइट खुलती है खुद खुद टक दरवाजा धाड़ जोर से बंद होता है खुलता है फिर लाइट बंद होती है कहते हमने हम ना अपने मेन गेट को देखा वापस ना मेन गेट को बंद किया हम वैसे ही भागते हुए गाड़ी में आके बैठे गाड़ी में बैठे हमने कुछ अम्मी को नहीं बताया कि डांट हाँ। पड़ेगी गाली में पड़ेगी जाने लगे तो हमने अम्मी का दुबट्टा देखा जो टेबल पर रखा हुआ था कहते मैं आपके दुबट्टे को क्या हुआ कहते क्या हुआ दुबट्टा देखा तो दुबट्टा ऐसा था जैसे किसी ने गुस्से से नहीं हो तो काट दिया फाड़ा हुआ उसमें खून के धब्बे ये उनके साथ इस तरह का हुआ इस दौरान मेरे ताया जो थे क्योंकि सुई सदन गैस में थे तो उनका बैक एंड फोर्थ पंजाब में और इधर बड़ा आना जाना होता था मीटिंग्स होती थी सही तो वो अब मुझे याद नहीं पड़ता कश्मीर जा रहे थे या मरी जा रहे थे ऐसी कोई जगह पे जा रहे थे बाय रोड जा रहे थे पंजाब इस्लामाबाद से बड़ा आसान है तो उनका ये प्लान था कि मैं जाऊँगा सुबह वहाँ अटेंड करूँगा मीटिंग और शाम तक तो वापस आ जाऊँगा वो गए पहुँचे तो मीटिंग थोड़ी सी डिले हो गई होते 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 रात हो गई आठ नौ बजे उनकी मीटिंग ख़त्म हुई उन्होंने कहा फिर वहीं के लोगों ने कहा कि साहब आप जो ना आज जहीं रुक जाए सुबह निकल जाएगा रात का सफ़र है उस वक्त वो रोडें वोडें थी बनी भी नहीं थी कोई मोटर वे शोटर वे तो नहीं बने हुए थे उन्होंने कहा नहीं नहीं सुबह मेरी मीटिंग है हेड ऑफिस में मुझे वहाँ होना ज़रूरी है तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा उनका ड्राइवर साथ में था और वो मुझे याद है गवर्नमेंट की ना उस वक्त ब्लू कलर की पोठहार जीप मिलती थी सही तो वो उनके पास थी तो ड्राइवर ने भी रजिस्ट किया कि साहब रास्ता जो है ना ज़रा अच्छा नहीं है और रात का टाइम है हम नहीं जाते उन्होंने कहा नहीं नहीं फिक्र नहीं करो यार आ, चलते हैं पहुँच जाएंगे हम लोग मुझे सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है चलें ठीक है साहब चलते हैं अब कहते हैं कि हमने गाड़ी चलाना शुरू की है रात का कोई नौ दस बजे का टाइम था मरी से आ रहे थे या कश्मीर से आए तो मुझे ये याद नहीं है अब वो ये है कि राइट पे आप जब वापस आ रहे हैं राइट पे पहाड़ है लेफ्ट पे खाई है तो जब मरी और मार्गलाज इनकी पहाड़ियों का है जो भी कह रहा मैं जाते जा रहा हूँ तो आ, मेरे जो ड्राइवर था ना उसको पसीने आना शुरू हो गए मैं कह रहा मैं नोट कर मेरे ड्राइवर पसीने आ रहे हैं और गाड़ी बड़ी रेस्टलेस तरीके से चला रहा है सर्दियाँ इतनी हालांकि वहाँ सर्दी तो भी हाँ। थी सर्दी हाँ। भी थी तो कह रहे क्या और हीटर चल रहा था हाँ। कह रहे क्या हो गया तुम्हें जो भी उसका नाम दो ड्राइवर कहते रहे साहब कुछ नहीं बोल ऐसी घबराहट हो रही है आप एक काम करें आप कुरान की तिलावत करते ना आप मेरे ताए कुरान रखते थे अपने साथ ट्रैवलिंग तो आप सर वो तिलावत करें मुझे अच्छा लगेगा उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं तिलावत करता हूँ तिलावत करने लगे अब कुरान पढ़ने लगे कुरान पढ़ते पढ़ते, पढ़ते उन्होंने और उस ड्राइवर ने बोला कि साहब बस आप जो है ना कुरान पढ़ते रहेगा इधर उधर ना देखेगा लेफ्ट राइट पर ना देखेगा बस कुरान पढ़ते अब जब आप किसी को बोले ना राइट लेफ्ट ना देखेगा तो फिर वो देखेंगे जाहिर है फिर तो देखना जरूरी है हाँ। अगर नहीं देखा तो फिर बेवकूफ़ है तो यही हुआ देखिए बाद उन्होंने पढ़ाई कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने लेफ्ट पे देखा तो बताते हैं कि बिजली की तार चल रही थी बिजली की तार के ऊपर एक औरत भाग रही है अभी बड़ी फिल्मी बात है बिजली की तार के ऊपर औरत और भाग रही है अच्छा और उसने जो है ना वो कहते हैं दुल्हन का रेड ड्रेस पहना हुआ जी बिल्कुल वो भागे जा रही है और गाड़ी की स्पीड से भाग रही है अब ये गाड़ी चल रही है वो तारों पे एक लड़की औरत भाग रही है और जाती जा रही है जाती जा रही है अब वो आपको पता है ना जब आप पहाड़ों पे होते तो कभी यूं कभी यू हूँ अब जब यूं होते तो तार करीब आ गए वो बिजली की तार करीब कह रहे हैं बाकायदा औरत जो है वो इतनी करीब आ गई थी कि मुझे उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी औरत थी औरत थी कहते हैं औरत थी आ, लाल कलर का ड्रेस था उसके दांतों में से खून निकल रहा था ऐसा था और उसके पैर नहीं थे लेकिन वो तारों पे जैसे फ्लोट कर रही थी और कह रहे हैं। हमने जितनी भी गाड़ी तेज चलाई ना वो उतनी स्पीड से थी हमारी हमारी गाड़ी की स्पीड मैच कर रही थी और कहते हैं एक पॉइंट आया कि मैं ज़ोर ज़ोर से कुरान शरीफ़ पढ़ने लगा लगाऊँ तिलावत करने लगा लगाऊँ लेकिन ये नहीं होता कि वो कोई दूर हो जाए या वो जाए मुझे ये, उनको ये टेंशन होगी कि अल्लाह ना करे ड्राइवर कहीं में ना गिर हाँ। जाए कुछ ना हो जाए हाँ। या ये अंदर ना आ जाए क्या हो जाए कहते है, एक पॉइंट पे जाके वो अचानक से गायब हो गई कहते हम मैं आगे जाके एक छोटी सी आबादी वबादी है तो हम रुके मैंने ड्राइवर को रोका पानी वानी पिलाया तो वहाँ के लोकल से फिर उन्होंने पूछा कि यार ये या हमारे साथ अभी यहाँ पे हो कह यहाँ पे ये मसला है ये होता है इस इस पर्टिकुलर इस जगह पे ये ये पॉइंट ए पॉइंट बी तक यह होता है हाँ। तो ड्राइवर ने कहा मैं इसलिए मना कर रहा था आपको रात को ट्रैवल करने से वो जो बाकी लोग थे वो भी इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि पे ये बहुत चीजें कॉमन अच्छा बहुत चीजें सब यही एक सेम चीज दिखते हैं खातून को यार ये मुझे बड़ा एक डायसी चीज लगती है हमेशा खातून ही आती है नहीं नहीं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना मिनाज भाई ये हमारी कहानी में है ना कि जो हमारी कहानियों में है ना जो डाउन है ना अब देखो हाँ तो हा, हम हम खात खन खवातीन को कितना अप्रेस करते हैं कितना रिप्रेस करते हैं उनको हर किस्म की तनकीद का निशाना बनाते हैं उनको आ, फिजिकल असोल्ट हो सेक्जल असल्ट हो अब ये जो चीज़ आ रही थी इसको आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते सो दिस इज़ द दिन नहीं हाँ फैमिल रिवेंज है ये बदला है तो अब आपने मेरी जब मुकम्मल तरीके से आपके साथ कभी नहीं हुआ है तो भाई भाई पूछे भी नहीं ऐसी आ बात आ है। है। क्यों अल्लाह करेगा लेकिन आपने सुना में। है। मैंने बताया कि आ... अच्छा मेरे साथ एक हुआ था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ी छोटी सी बात है हमारा हैदराबाद में घर था वो हम माशाल्लाह से बड़ा घर था और वो ऐसे है कि अब जैसे आई एम आफ्टर माय ग्रैंडफादर काजी मोहम्मद तो वो काजी मोहम्मद अकबर फर्स्ट का घर था सही है बहुत बार कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत बार टूटी फिर बनी तो जमीन जो है वो पुरानी है घर नया था।, था। हाँ तो अब हम एक फ्लोर पे रहते थे चार कमरे थे अ, अ, मेरा और मेरे भाई सिस्टर शेड रूम एंड माय मदर एंड माय फादर शेयड रूम और एक कमरा था जहां पे स्त्री विस्त्री कपड़े स्त्री होना सब कुछ स्टोर रूम वही था अच्छा उस वक्त ना मेरी बहन इतनी छोटी थी कि डॉल से खेलती थी तो एक बड़ी लाइफ साइज से मुराद कोई पाँच फुट की डॉल बाबा ने उनको खरीद के दी थी बाबा जो है वो गिफ्ट लेके दिया था और वो बड़ी खुश थी उस डॉल से और बहरहाल हम बड़ी बड़ी खुश थी उस डॉल से हम जो थे मैं अबीर का मैं छोटे भाई का मुझे नहीं पता मैं तो कम्प्लीटली ऑफ मैंने बोला नहीं डॉल से ऐसा नहीं आ, तो बहरहाल अब क्या है कि उसमें ऐसे था कि यू वुड वॉक और फिर आप लेफ़्ट टर्न करते थे अच्छा लेफ़्ट टर्न करने के बाद आपको वो कमरा पूरा नजर आएगा लेकिन वो लेफ़्ट टर्न करने से पहले आप नहीं देख सकते हो कि उस कमरे में क्या है अच्छा सही सुबह फजर का वक्त था फजर का वक्त था और हम आ, स्कूल के लिए तैयार होते थे छोटे थे बहुत तो अब मैं उठाऊँ सुबह को और उन्नूदगी थी अभी तक एम वॉकिंग टू दैट रूम कि मैं अपने कपड़े उठा लूँ स्त्री हुए होंगे वॉक करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता है, जैसे ही मैंने रिटर्न किया वो डॉल जो थी वहाँ पे खड़ी हुई थी मैंने बोला कोई मसला ही नहीं है <laughs> वापस चला गया मैंने बोला तैयार ही नहीं होता भाई क्या हो गया उसके बाद बोला प्लीज मुझे बचा लो आ, अब वही वाली बात है ना कि कुछ था या नहीं ये, ये तो वैसे शर, शरारत भी थी नहीं तो डॉल खड़ी हुई थी क्या मतलब खड़ी हुई थी ऐसे सीधी वर्टिकल मेरे सामने मुझे देख रही थी

हाँ। उसके ऊपर फिल्म बनी हुई है असल में एक डॉल है दुनिया में असल में एक डॉल है और वो ऐसे उसके अंदर मस्कुलसड है उसके ऊपर मतलब केसेस हैं उसको उसको लॉक किया हुआ है अच्छा किया उसको केज किया हुआ है उसको बहुत अच्छा किया ये क्योंकि उसके ऊपर उसका स्टोरी है कि एक बंदे ने बनाई थी और वो गिफ्ट की थी और वो हुआ था फलाना हां तो एक घर में लोगों ने उसको खरीद लिया था ऐसे डॉल तो वो

वो डॉल को इधर रख के सोए हैं, हाँ। सुबह तो डॉल डॉल। डॉल उधर है। है बदल रही फिर पता चला कि प्रॉपर मूव कर वॉक करती थी, जाती थी, जाती उसके उसके कोई अच्छा अंदर नहीं, नहीं? नहीं, नहीं पढ़ लेगा अभी भी कैलिफोर्निया में कहीं उसका म्यूजियम है दो पेरानोमल इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका उन्होंने दुनिया भर से जितनी भी उन्होंने इस तरह की कहानियाँ वाकयात उन्होंने जो उनके साथ उनके केसेस बने उन उसका एक छोटा सा पार्ट कोई उन्होंने अपने पास रखा हुआ उसका म्यूजियम बना हुआ है हाँ। तो ये एग्जिस्ट करती है डॉल मुझे मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता मुझे डॉल से डर लगता है हाँ? ओफ मुझे इतना डर लगता है डॉल से मुझे लगता है कि कोई सी भी डॉल ना हो कभी भी मुझे होता है कि बस ये आंख ना पलक चाहे पलक डाल मैं तो मौत हो मुझे जिन्ना से माफ डर नहीं लगता मुझे किसी से डर नहीं लगता, दौल दौल लगता है, डौल डौल ना है और बेबी बेबी डॉल डॉल ना ना सोने की अच्छा ये वाकयात है ऐसे कि आप सुनते तो है मैं क्योंकि हर हफ्ते शो करता हूँ फिर पॉडकास्ट करता हूँ स्ट्रीम करता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के सिर्फ मुझे पहले लगता था यार ये पाकिस्तानियों का वहम है ज़्यादा कि इतनी कहानियाँ पाकिस्तानियों के पास होती हैं फिर जब मैं थैंक्स टू इंटरनेट जब इंटरनेशनल ऑडियंस से कनेक्ट हुआ ना तो मुझे पता चला इससे पाकिस्तान का मसला नहीं है नहीं नहीं ये पूरी दुनिया का है अभी भी कोई रीसेंट रिसर्च है मुझे एक्जैक्टली उसकी यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं है इंग्लैंड में भी हुई थी और यूएस में भी हुई थी यूएस में 56 परसेंट लोग अभी मानते हैं

तो ये इस तरह है लेकिन मैं आ, और मेरा शो करने में मज़ा भी मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैं मेरा पहला रिएक्शन होता है कि यार हो सकता है आपका वहम ही है। अच्छा तो दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि आप जो है शुरू करते हो फ्रॉम नेगेशन, uh, इसको इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट थ्रू कॉन्ट्रोडिक्शन आप बोलते हुँ. हो भाई देखो दो चीज़ें या तो आप सच्चे हो या आप झूठे हो

बट अलम करे बट बट इट्स अ लाइव ऑडियंस द स्केरियस थिंग दैट्स हैपन टू यू इन द फिजिकल सेंस क्योंकि कोई बंदा इतना नाराज़ हो गया हो बोला कि मैं आपको मिनाज भाई ढूंढूंगा और इस किस्म की चीज़ यार इस तरह के तो बहुत होते हैं होते हैं बहुत होते हैं हाँ. uh, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है सही मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो इंटरनेट के कमेंट्स होते हैं ना ये सारे आप रेडियो सारे लोग बोलते हैं ना हमारे टीवी के लोग भी बोलते हैं शिकायत करते हुए इंटरनेट के स्टार्स भी बोल रहे होते हैं कि कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने, चाहिए, पढ़ने, नहीं पढ़ने चाहिए पढ़ते सब है है जाहिर इसलिए तो बोल रहे कि नहीं पढ़ने चाहिए। चाहिए। सही है मेरा एक और जरा मसला है मैं रिएक्शन भी देता हूँ उस पर हैं हाँ मुझे लगता है कि यार क्योंकि हमने क्योंकि शुरू में किसी ने इस पे बोला नहीं ना किसी को तो यह नॉर्म बन गया हर किसी का कि

Yes, सही है Absolutely. आप मजाक करें सबको मजा आता है सबको मजा आप मजाक उड़ाएंगे एक 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 आध बंदा होगा जिसको नहीं है मजा नहीं आएगा भाई मैं आपका भी मजाक आपके साथ मजाक कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है है अब यहाँ पचास लोग बैठे हैं मैं पचास लोगों का मजाक उड़ाना शुरू करूँ पचास से पचास हर्ट होंगे ऐसा ऐसा ही ऐसा ही फर्क ये कि आप पहली बात पे हो जाएंगे वो दसवीं बात पे हो जाएगा हो सब जाएंगे सही सही अच्छा अब मैं जिस प्रोग्राम पे जिस एंटिटी पे जिस जिस मखलूक पे प्रोग्राम कर रहा हूँ उसकी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है उसका नहीं हमें ये पता है कि भाई कुरान में है और हम मानते हैं उसको सही अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया ना हमें तो पता ही नहीं कि रिएक्ट कैसे करते हैं क्या हाँ, होता है हाँ। मैं इसको इनको इस एंटिटी को इस मखलूक को इस तरह देखता हूँ जैसे इंसान है जैसे भाई काजी है सही। एक जिन है मेरे सामने काजी जिन टाइप का बंदा बैठा हुआ है ही है तो मैं काजी को जिन से कंपेयर करने लगा हूँ कि यार इसकी भी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स और उसकी भी इसी तरह ही होंगी ना भाई काजी को मैंने हंसाया तो काजी हंस गया हो सकता तो हाँ। है लेकिन अगर मैं, मैं, मैं बोलू काजी आपकी एग्जिसटेंस ही नहीं है क्या कौन सा पॉडकास्ट कैसा पॉडकास्ट क्या है आप सही। एक दफ़ा आप एहतराम जी जी मीना भाई बहुत अच्छी बातें कल तू कौन है तो ये जिन भी तो ये करेगा ना आप उसकी एग्जिस्टेंस को मान नहीं रहे हाँ। वो कहेगा मैं ये माइक गिरा दिया हाँ। ना, नहीं नहीं ये झूठ है ये इस तरह देखता हूँ मुझे ये होता है कि लोग मजाक तो उड़ा रहे होते हैं जिनका भी मजाक उड़ा रहे होता है पता नहीं क्या क्या कमेंट में तो क्या क्या चल रहा होता है असल कंटेंट है ना इंटरनेट का वो कमेंट्स पे होता है वो है असल कंटेंट हम बकवास कर रहे हैं <laughs> हम असल में बाय प्रोडक्ट इस कंटेंट <laughs> स्टार्ट है बस आ, सही हमारी वजह से वो चल रहा है तुम आप मैं उनको बस ये समझा रहा था कि यार जवानी में ना बड़े मजाक कर रहे होते हैं बस इतना करो कि आप जब अकेले हो ना कमरे में या घर में जब आप दोस्तों में ना हो आपके पास आई बॉल्स ना हो आपके लिए तो आप अपना आप कहीं मजाक ना बन जाएं सही बस मुझे ये होता है यार क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मखलूक हर्ट कर सकती है Absolute. सही है yes. और इसमें पूरी पूरी टेंडेंसी है uh, इस्लामी तरीके से देखें तो इनके uh, बायदा बक, बताएगा कि तीन किस्म के ये होते हैं एक वो जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रैवल कर सकते हैं wow. जिनको यूजली ये आमिल वामिल यूज करते हैं फॉर ब्लैक मैजिक एक होते हैं जो जानवरों की फॉर्म में होते हैं जो अपने है। आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बिल्ली जो भी कलर है एक होते हैं जो बदला ले सकते हैं जो इंसान से बदला ले सकते हैं, हैं तो, फिर हाँ, नहीं, नहीं। हाँ। तो बस इतना होता है मेरा क्यार मजाक करो मजाक ना उड़ाओ दो फर्क है हाँ। तो वो हमारे यहाँ इंटरनेट अभी क्योंकि नई नई चीज आई ना हमारे यहाँ अभी पाकिस्तानियों में तो पता नहीं है कि मजाक की जो लाइन है ना कहाँ तक है इंटरनेट के हवाले से तो आपने सही बात बोली लेकिन ये हमारे मुआरे में टेंडेंसी बड़ी है कि हमें सबको मजा करने के लिए ना एक बेचारा बंदा होगा जो पैसे हाँ वो पैसे का जिसको बोलते हैं इसकी ले रहे हैं भाई क्यों ले रहे हो हाँ। आप देखो ना अगर इतने अच्छे आपके जोक्स हैं इतनी कॉमेडी आप कर सकते हो तो सबको हंसना चाहिए एक बंदे को और और उसको चलो ठीक है आपने तनकी का निशाना उसको तनकीद नहीं लेकिन उसको आपने मजाक का निशाना बनाया कम अज कम ये तो देख लो इज ही ऑल राइट बिकॉज ये टेक्निकली के और मैं... मसला पता है क्या काजी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ एक तो ये है कि हमें तमीजदार होना चाहिए कि, कि किसी का इतना मजाक बुली ना करे दूसरा ये कि जिस जो बुली हो रहा है ना वो भी जरा स्टैंड करे अपने बताए कि मुझे बुरा लग रहा है हाँ हमारे यहाँ अक्सर होता है कि वो हंसना ज्यादा बेहतर है बजाय रोने के हंस लो यार हाँ, अपनी बेजती भी हंस लो हाँ, रोगे ना तो मजाक और बनेगा बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो गया गया मर्द हैं मर देर मरदें आप मर दें आपकी मर्दानगी इस तरह होती है कि हाँ, आप रोते नहीं हो ओ क्या मे रोता नहीं है तो हमारी भी दोनों तरफ गलती है मजाक उड़ाने वाले भी और मजाक जिसका उड़ रहा है वो उसकी भी गलती है वो भी अब क्योंकि हम जिस टाइम में आप बोल सकते हैं आप हर चीज बोल सकते हैं किसी को भी बोल सकते हैं मेरा मानना यह कि यार हम जो ना अब ओपिनियन वाले ज्यादा लोग हो गए हैं सुनने वाले कम है

शुरू होती है ना से होती है हाँ। सही ना आप ये कभी बड़ी वियर्ड एक चीज़ है मैं नोटिस करता हूँ मैं क्यों नोटिस करता हूँ पता नहीं मेरे पास क्या है कि जैसे अगर कोई मैंने बात की ना क्वेश्चन भी नहीं पूछा बात की तो लोग आप देखोगे ज़्यादातर शुरू ही नहीं से करते हैं आ, काजी यार मैं उस दिन देख रहा था मॉन्स्टर पीना आ, हेल्थ के लिए ख़राब है अब मैंने आपसे एग्री करना मैं मनाज भाई आप सही बोल रहा हूँ नहीं मनाज भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो तो भाई नई बोलने की क्या जरूरत है लेकिन ये इन बिल्ट है कि भाई निगेट करना है दूसरी चीज को तो आई डोंट नो व्हाई वी आई थिंक आपका या मेरा हमारा जो काम है टेक्निकली द पॉडकास्ट और द लाइव स्ट्रीम्स और द रेडियो शोज इट्स अबाउट अलाउिंग फॉर कॉन्वर्जेशन ये यही तो मजा है मुझे इसलिए रेडियो पसंद है हाँ और मेरा इख्तलाफ ही होता है कि जो अब हो गया है रेडियो पे कि

जो नए क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं नए से नया फोटोशॉप नए से नया प्रीमियर पांच साल पहले आठ साल पहले जिसके लिए प्रॉपर टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती थी अब तो एक फीचर है हाँ, अब तो तो फीचर so है अब मोर देन एनी अदर टाइम इन हिस्ट्री यू कैन नॉट इम्प्रेस पीपल बाई है लेटेस्ट कैमरा यू नोट नो वाई बिकॉज यूर फोन इज द लेटेस्ट कैमरा एक्टली ठीक है ना एक्टली exactly. और आपका फोन जो है आधे से ज्यादा काम तो कर देता है अब लेकिन लिया ना उसके बाद मैंने कहा अब तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है क्या यही चले जा रहे हैं अब नहीं लूंगा अब जाके जो चीज आई मैंने कहा अब टूट गया था फोन क्रैक हुआ था चार जगह से

आपको अगर मैं अब आर्ग्यूमेंट दू कि भाई एज अ कैजुअल फोटोग्राफर नॉट एज नॉट एज आरिफ महमूद और टप्पू जवेरी और सम्मान एज अ कैजुअल फोटोग्राफर मैं अगर आर्ग्यूमेंट बनाना चाहूँ कि मिनाज भाई आपको मिररलेस कैमरा खरीदनी चाहिए बहुत मेहनत लगेगी मेरी बहुत मेहनत लगेगी मैं बोलूंगा ऐसा लेंस होता है ये फोकल लेंथ होती है आप बोलते भाई वाइड वाइड लेंस लेंस है है एंगल तो तो आप क्या 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 करूं क्यों वही वाली बात है कि नाउ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आर गेटिंग सो एडवांस्ड ए इतना ज़बरदस्त है इसका एडोबी क्रिएटिव स्वीट का या उसका डिवेंशी रिजोल्व की कलर साइंस इतनी ज़बरदस्त है कि अब जो है कॉन्टेंट रियली इज किंग ये यार ये पता है हमेशा से था हाँ। हा। काजी ये पता है हमेशा से कंटेंट हमेशा से कंटेंट वाज़ द किंग सही 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 है ये बीच में टाइम आया था कि हम वो रेड ड्रैगन यूज कर रहे हैं हम एलेक्सा यूज कर Alexa रहे हैं है, हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं जो देखने वाले ना जब आपका फर्क नहीं, नहीं, नहीं पड़ता यार कि ये आईफोन से बना हुआ है है या कहानी इंगेजिंग है? आप अभी भी गॉडफादर देंगे देखेंगे आप ये थोड़ी देखते हैं कि कौन से से कैमरे बना है आप तो कहानी देखते हैं कि तो कहानी कितनी अच्छी हा, है हा, और आप सोचो गॉडफादर के की एग्जाम्पल को ले लें वन का जो बजट था टू का उससे डबल था डबल था लेकिन थ्री का उससे ट्रिपल था और थ्री सबसे में कौन था अपना भाई एल्पोची

उसको ये कि हम दो बात क्या कर रहे हैं हाँ। वो बै, बै, बैठा है इसलिए हाँ। वो इसलिए नहीं बैठा कि कैमरे क्या है कौन सा कमरा है कौन नहीं, से कहाँ किधर है स्टूडियो किधर है ये हाँ। तो ये हमेशा देता और हाँ और, और या ये अभी रिसेंट टाइम में ना हमारे चूंकि अब मुझे खुशी हो रही है कि यूट्यूब मेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं सही है और अल्लाह का शुक्र है आ रहे और यार इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान में खतरनाक सही है। किसी भी टाइम पे वो कर सकते हैं इंडिया के लोगों को भी हा? इंडिया को तो कर सकते हैं बहुत फॉर देट मैटर जो अंग्रेज हैं हा? उनको भी अब मैटर कर नहीं करता सी सी लग जाते, है, आप से जाते हैं मैटर ही नहीं करता वही वाली बात है ना अब हमारा गोल कम अज कम ये होना चाहिए टू लिफ्ट अप जैसे एक इरफान जुने जो बन गया वो आप इरफान भाई से पूछो कि कितनी मेहनत लगी है और कितने तकलीफ उसे गुजरे हम चाहिए ये कि अगला तो ना ना बन रहे हैं तो सर्टिफिकेट पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है पांच लाख सब्सक्राइबर्स पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा चलें वो गवर्नमेंट की हमेशा पॉलिसीज होती है पूरी दुनिया में क्योंकि इंटरनेट एक नई चीज़ है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया हाँ कंट्रोल हाँ करना हाँ चाह रही है क्योंकि हाँ देखें अगर आप इसको जरा बर्ड आई व्यू से देखें कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वेपन बन सकता है ना कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना इसको कुछ तो कर सकते हैं कुछ हाँ तो करेंगे आई एम श्योर कुछ ना कुछ कहीं ना हाँ कहीं से करेंगे क्योंकि हम तो अभी सिर्फ अच्छी अच्छी साइड देख रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है हमारे पास अच्छे कॉमेंट आ रहे हैं लेकिन उस उस कमेंट का भी क्या कहते हैं उसको हिसाब को क्या कहते हैं हिसाब होना चाहिए ना कि कोई आपको अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना क्या गालियाँ दे रहा है चलो गालियाँ नहीं थ्रेट थ्रेट दे रहा है फिर रेप थ्रेट अब मैं एक मुझे अभी किसी ने टैग किया अल्लाह माफ़ करे तो बस तो कोई खातून थी उन्होंने मुझे टैग किया किसी पोस्ट पे वो फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है अल्लाह माफ़ करे यार मैं सोचा कैसे हो सकता है उस पर बातें क्या हो रही हैं क्या हम हरासमेंट कैसे करें प्लीज

हमें हमें तो अभी पता है क्योंकि हम इस उम्र में कि हमें पता है सही गलत क्या है जो यंग जेनरेशन है जो इस इंटरनेट की जेनरेशन है उसके लिए तो जरूरी है ना कि उसको पता हो कि क्या सही है क्या गलत हाँ। है हाँ। अब ये जैसे आपके सामने एग्जांपल है हरासमेंट का एक पेज बना हुआ है बच्चे बातें कर रहे हैं उसमें क्या मैं कजन को पुछे, कैसे पुछे। रेप करूं या हरास करूं या जानवरों को कैसे करूं आप मैं तो मेरे जमीन निकल गई यार भले ही मजाक ही कर रहे हो मजाक ही नहीं है ना भाई ये कैसा मजाक है नहीं 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 इस नहीं। पे सजा होनी चाहिए ताकि कोई एक दफा आप किसी को सजा देंगे तो उसका कोई मैार बनेगा कि यार इस तरह ये बात इतनी हद तक ही करनी और ये नई बात होने की ये बात हो होने वाली, हो वाली नहीं है नहीं होगी हाँ तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंट्रोल आई थिंक चाहिए सही कंट्रोल लेकिन किधर हो कॉन्टेंट पे ना हो नहीं 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 कॉन्टेंट पे ना

उनको आपने एड्रेस नहीं किया आपने बंद कर दिया तो एक तरीके से उनकी पकड़ भी नहीं हुई नहीं हुई ना नहीं ऑन नहीं। किया और उनको एक इतनी इम्पोर्टेंस है हमने एक प्लेटफॉर्म बैन करा दिया हमारी तो बहुत पावर है उसमें यही है कि अब उनका मैं नाम जाहिर नहीं लेना चाहूंगा लेकिन अगर जो हमारी बॉडीज है वो

मुझे ये होता है कि बच्चे जो बात करें इनसे कोई बात करे एटलीस्ट उनकी फोटो वोटो थी या आई एम श्योर थी लोगों ने मुझे जो जो जिस लिंक से मुझे भेजा अटैच किया था उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी कॉन्वर्जेसन सेव थी प्रोफाइल जो भी पेज पे बात रही थी वो सेव थी मतलब वो क्योंकि इसलिए मुझे होता है कि यार टोटली आप इसको लूज लूज नहीं छोड़ सकते ओवरसाइड होना जरूरी है क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि जब आप लोगों को पूरी पावर दे देना एक बड़ी अजीब सी बात बोलूँगा किसी जहल को आप पावर दे देना वो उसका मिस यूज़ करता है क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि कैसे उसकी भी गलती नहीं है उसको पता नहीं है जैसे हमारे यहाँ भी लोगों को पता नहीं है कि एक कमेंट करने से जिसको ये ट्रोलिंग समझते हैं उससे किसी बंदे की दूसरे बंदे की लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है, भाई है। होते हैं। या मैं मैं ऐसे सुपर स्टार्स को जानता हूँ जिनकी मैं मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है मतलब उनको अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ लेकिन मैं बाहर तौर पर देखता हूँ उनको उनकी तस्वीरों को और उनके आज से चार साल पहले की तस्वीर और चार साल के बाद की तस्वीर मुझे साफ नज़र आता है यार ये औरत ये मर्द जो है बुढ़ा हो गया बुढा हो गया ये परेशान हो गया ये इसीलिए ये शायद लाइम लाइट से निकल गया क्योंकि गालियाँ बदतमीज़ियाँ और चंद लाइक्स सबको मतलब कॉमेडी करने का मौका मिल गया ना कॉमेंट पर कोई कॉमिक कौमे, कमेंट छोड़ दिया चार लोगों ने लाइक कर दिया आ, तो आपको लगता है वाह मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया लेकिन आप ये नहीं भूल जाते कि उससे उस, उस बेचारे का जिसको आपने एड्रेस किया है बुरा आ, बोला है आ, उसका क्या हुआ वा? ये कोई तमीज़ ही नहीं रही मैं जो है ना आई वॉज ऑन दी पी आर पॉडकास्ट टी पी आर पॉडकास्ट पर उन पैनल बनाया था जिसमें uh, काफ़ी सारे uh, मशहूर शख्सियात भी थी बड़ी इम्प्रेसिव शख्सियात भी थी और उसमें जो था uh, उन गलती से मुझे ही बुला लिया था और जो है उसमें <laughs> इरफान इर्फा, भाई भी थे सब कुछ था mm -hmm. तो इरफान भाई से ना कोई ऐसी बात पूछी गई कि भाई इसी हवाले से कि भाई वाट इज़ गुड अबाउट द इंटरनेट व्हाट इज़ बैड अबाउट सोशल मीडिया इरफान भाई ने बड़ी ख़तरनाक बात बोली एंड आई वाज लाइक यार दैट्स अप दैट और मैं साइड में बैठा हुआ था उनके Uh, हम साथ ही कर रहे थे तो इफ़ान भाई फनी थिंग अबाउट इन थ्रेट्स ऑन द इंटरनेट इज यू डोंट नो इफ दिस इज़ अपसेट बिकॉज इससे दूसरी बार रोटी नहीं पूछी किसी ने घर पे हुँ. या ये एक्चुअली मेरा पता निकाल के आ रहा है मेरे हुँ. पास एंड आई वॉज जस्ट लाइक यार

Uh, खैर नहीं बोलता छोड़ देता हूँ मस, मसले फर्ज देंगे कौन सी मसले ऑफर बता दूंगा अच्छा तो हाँ। तो एक मसला हुआ था मेरी जिंदगी में रेडियो के टाइम पे हाँ। मैंने एक ओपिनियन दे दिया था हाँ। और वो ओपिनियन उस वक्त अच्छा नहीं था लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल था और मैंने रेडियो पे किया था सही है रेडियो पे बोला था वो जिससे एक बहुत बड़ा बैकलैश मेरी ज़िंदगी में आया था इतना बड़ा आया था कि मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ गया मुझे शहर छोड़ना पड़ा वाँ। मेरे वाँ। स्टेशन ने मुझे फायर किया थोड़े दिन के लिए पैमरा इसमें इन्वॉल्व हुआ फिर मुझे आ, बचने के लिए और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ा और मामले को सुलझाना पड़ा इस तरह इस तरह उसके बाद क्या हुआ जब मैं वापस रेडियो पे आया ना कुछ साल डेढ़ साल के ब्रेक के बाद गायब होने के बाद तो मैं आया और मैंने शो करना शुरू किया लोगों ने वहीं से दोबारा शुरुआत की जहाँ मैं छोड़ के गया था आप तो वो हैं आप तो ये हैं आप तो ऐसे हैं आप तो वैसे हैं हाँ। तो मुझे होता था कि यार सही है बोलने बोलने तो बोलने दो लेकिन कब तक मैं सुनूं कब तक आपके पास सौ मैसेजेस आ रहे हैं उसमें से बीस मैसेजेस ये बोले जा रहे बोले यार कभी तो रिएक्ट करेंगे मैंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया कभी मैं बोल देता यार ऐसी बात नहीं है ये कभी मैं गुस्से में बोल देता कभी एक दिन मैं स्टेशन पहुँचा हूँ मैं बाहर कर रहा हूँ सिगरेट पीटा था तो एक बंदा आया चलते हुए अंदर चला गया स्टेशन के नॉर्मल है कोई आया होगा मिलने आया होगा वापस आया वो मुझे देखता है आपके तो आपने नाजल करी जी अरे मैंने मैं, आप, मैं आपका फ़ैन हूँ मैं आपका शो सुनता था ये सब मैं अच्छा थैंक यू है सो मच मनाज भाई आपने जो वो बात की थी ना मुझे उसके बारे में बात करनी है मैं बोलिए क्या आपने क्यों की थी मैं कहता है मेरा ओपिनियन था और मुझे लगता है कि वो उस वक्त गलत हुआ था वो बहुत गलत हुआ था और वो विट आफ्टर टाइम वो बात मेरी दुरुस्त हो गई कि वो मैंने सही ओपिनियन दिया था सब अब अब सब बोलते हैं उसे का मुझे लगता है आप अमेरिका के एजेंट हैं मेरे मुंह पे बोल रहे हैं मैं कहा चलो मैं तुम्हारी ये बात बाय कर लेता हूँ मैं अमेरिका का एजेंट हूँ मैं मैं पागल का बच्चा हूँ जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ शहर एफ के थर्ड फ्लोर पर अमरीका का एजेंट डॉलर कमा के रेडियो शो पे पंद्रह रुपए की सिगरेट पी रहा हूँ मैं पागल हूँ मैं अमरीका ना चला जाता था मेरे वह इतने डॉलर होते मैं ये छोटी सी ऑल्टो में घूम रहा हूँ मेरे पैसे तो मैं बड़ी गाड़ी ले लेता ले मैं हज़ार दो हज़ार के घर में रहता था कैसे हो सकता है क्या है कहते नहीं ये मुझे तो ये लगता है कि आप अमेरिका के एजेंट हैं आपने वो बात इसलिए की थी क्योंकि अमेरिका में भी यही बात हो रही है आपने भी ये बात की तो आपका तो यार मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता मैंने कहा यार देखो उसको भी मैंने बिठाया मैंने कहा बात कैसे हो सकता है ये अमरीका का एजेंट कौन मेरा एक ओपिनियन है मैंने दे दिया आपका फ़र्ज है आपके हम नहीं मानते। बात खत्म हो गई। आपका अपना ओपिनियन है लेकिन मैं अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं मानता भी नहीं हूँ और आप भी जो गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं आप माने कि आप गलत कह रहे हैं और आप अब इसको यूं बोलें तो नहीं हो सकता ना क्या मैं तुझे बोलूँ रात के तेरे घर में खाना क्या बने आलू गोश बने आज तू आलू गोश नहीं खाएगा मुझे नहीं पता कढ़ाई गोच बना

कोई कंट्रोवर्सी आती ना किसी एक्टर की तो वो चुप रहता है चार पांच दिन कुछ नहीं बोलेगा जब न्यूज़ बन जाएगी फैल जाएगी वायरल हो जाएगी उसके बाद वो एक स्टेटमेंट आता है वो फिर फिजल हो जाती है सही अगर आप उसी वक्त बोलते हैं तो वो बात ही नहीं बनी खत्म होती आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंक आपने जो बोली टू एंड दिस पॉडकास्ट विद इसके हमारे जो लोग हैं जो व्यूअर्स हैं Uh, और ये मैंने बात मतलब पता नहीं क्या डेढ़ घंटे के बाद बोल रहा हूँ पहले बोलता है शायद कि वी वी नीड टू इम्प्रेस अपॉन देम कि भाई आपको पूरी बात घंटे की बात है ना तो घंटे की बात सुनो hmm. वही वाली बात है कि आपने पाँच मिनट बात सुनी बकवास पॉडकास्ट थी भाई आप कैसे बोल सकते हो जब एक घंटे तक हमने कोई बात की होगी hmm. ना या आपका जो स्ट्रीम है वो तो और लंबी होती है आपका जो रेडियो शो आपने बोला hmm. तीन घंटे का होता है यार देखो या तो नहीं बोलो या तो बोलो कि आपने थर्टी थर्ड मिनट पे जो ये बात की थी ये मैं डिसग्री कर रहा हूँ आप बोल रहे हो ये बंदा ही कैंसिल कैंसिल कल्चर बहुत खराब आ रहा है कैंसिल कल्चर जो ना वो नहीं होना चाहिए नहीं uh, अच्छा मुझे ये होता है कि पूरा uh, जिस जिस टाइम फ्रेम पे हमें वहाँ पे तीन मिनट है पंद्रह सेकेंड हमारी वो है ना स्पैन पंद्रह सेकेंड है ना स्पैन हाँ, अटेंशन स्पैन पंद्रह सेकेंड भी नहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो जल्दी से आएगा जल्दी से जल्दी आएगा जल्दी से मुझे लोगों से आ, कोई शिकायत बस शिकायत ये है कि आ, सुनना शुरू करें बहुत बोल लिया हाँ। सुनना शुरू करें सब हाँ। सुने ज़रा यार एक जरा तहमुल हो जाए ना काम डाउन किस अब अब ये पेंडेमिक हुआ था ना सब चुप हो गए थे वो रेस ख़त्म हो गई ना नंबर वन आने की हाँ। पैसे कमाने की मार्केटिंग करने की ये हाँ। मैं बेचूंगा ये मैं खरीदूंगा वो गाड़ी होगी ये होगा उसने आईफोन ले लिया तो मैं वीए लूंगा मैं उस सब डाउन हो गया अब आप थोड़ा सा पेंडेमिक को पहले महीने से कंपेयर करें अपनी लाइफ को कि आपने किस चीज पे दोबारा आप नेचर के करीब आए आप घर में बैठे सही। इर्द गिर्द के लोगों से आप माँ बाप से दोस्तों से बहन भाइयों से आपने बात की क्योंकि घर में बैठे हुए थे कितनी देर इंटरनेट कर लेते कितनी देर कर लेते अल्टीमेटली इंसान को इंसान की जरूरत है सही अगर आप कैंसिल करना शुरू कर देंगे या किसी को बोलना शुरू कर देंगे तू बेकार तू बेकार तो आप बातें करना खत्म कर देंगे और तू बेकार है ये तो राइट आपको किसी ने दिया ही नहीं है ना नहीं नहीं जितने भी आप एल हो जाए हाँ। कभी आपने सुना है वो बोले कि ना यार तो आप हम अच्छा ये भी है कि हम पूरा कंट्रोल तो नहीं कर सकते ऑडियंस है वो ऑडियंस है अपना एक उनका टेम्परमेंट है वो बिता किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं हम तो फिर भी बड़े लिबर्टी के साथ बैठे होते हैं कि हम ऐसे बैठे हैं यूं हैं खाना खाए हुए हमने गाड़ी है हमारे पास हमारे पास दोस्त हैं बहुत सारे ऐसे मेरे पास कॉलर्स आते हैं जो कहते हैं हमारे तो दोस्ती ही नहीं है हमारे अमां अबा नहीं है हमारी फैमिली नहीं है तो हमारे पास ये वसीला नहीं है हमारे पास वो नहीं है हम क्या करें मिनार तो मैं कहता कहते यार मैं हूँ ना सही मैं आपके मैं बैठा बात करो सही 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 तो सुनना शुरू करें हाँ। और मैं बता रहा हूँ इतना मजा आता है ना सुनने में सही बात आप सुने लोगों की बातें लोगों की प्रॉब्लम सुने लोगों के मसले सुने लोगों की सोल्यूशन सुने यार अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज़ होते हैं लोगों के पास बस क्यों उनके पास आप उनको कॉन्फिडेंस दें वो आप बताएंगे हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं दी हमारे यहाँ इंसल्ट की जाती है हाँ। फ़ौरन डिग्रेड किया जाएगा फ़ौरन बुली किया जाएगा बॉडी शेम किया जाएगा ये किया जाएगा वो क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि वो पावर पावर होनी चाहिए हाँ. हम चार लोग में बैठे हैं चार दोस्तों में बैठे हैं तो मेरा नाम होना चाहिए वाह मेरी होनी चाहिए वाह मेरी होनी चाहिए हाँ. मेरी बात पे लोग हंसे मेरी बात पे लोग कहके लगाए हाँ. बोले कि मिनाज वाह क्या बात कर करना हाँ. अगर मैं चुप बैठा रहूँगा तो मेरी तो वैल्यू जीरो होगी तो बस पॉडकास्ट के एंड में यही है कि यार सुने और सुनने का ये नहीं होता कि वो अमीर है तो उसकी सुने वो स्टार है तो उसकी सुने वो गरीब है तो उसकी नहीं सुने अमीरी गरीबी पैसा दौलत ये सब आ, अब आपने देख लिया पेंडेमिक में सब कुछ सामने आ गया सब कुछ सामने आ गया अगर अभी भी हम नहीं सीखेंगे या सुनेंगे या देखेंगे या समझेंगे तो फिर किसी और की गलती नहीं है आपकी गलती, गलती, है। गलती है। किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हाँ। अपने आप को ही ब्लेम करें देट्स हाँ। इट और आ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब Instagram हाँ बस YouTube कर लें Instagram तो मुझे बहुत क्या हो नहीं अच्छा लगता अच्छा लगता है बड़ा फोर्सफुल लगता है खूबसूरत लोगी जगह वो बहुत सिर्फ खूबसूरती है Instagram पे सिर्फ खूबसूरत हो गए सब स्माइल कर रहे हैं <laughs> कोई शादी में जा रहे हैं हम अजीब से भैया ऐसे ही है मैं यही वो मैं यही एक ब्लैक टी शर्ट है मेरे पास मैं यही पहनता हूँ यही एक रेड शर्ट ये कैप है मैं यही पहने रहता हूँ मैं क्या इंस्टाग्राम पे लगाता भी तो कुछ सालों में एक दफ़ा एक तस्वीर लगा लेता हूँ वो भी उस पर भी गाली आती हैं अभी मैं कहते हैं मोटे हो गए

भाई मुद्दा ये है हाँ. कि मैं मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ जिसको लोग इंडस्ट्री मानते नहीं विच इज रेडियो विच इज रेडियो ठीक है बहुत सालों बाद टीवी को इंडस्ट्री का खिताब इज्जत मिली है हमारे टीवी को अब इज्जत मिल गई है अब लोग ये एक्टर्स से नहीं कहते कि अच्छा एक्टिंग करते हो इसके अलावा क्या करते हो काम क्या करते हो अभी काम ही है ना ये रेडियो को अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री का अभी तक दर्जा नहीं मिला और मुझे ये शिकवा है अपने इंडस्ट्री अपने रेडियो वालों से भी और आ, बाकी लोगों से भी वो ये कि हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं बड़े बड़े साबुन के ब्रांड्स हैं वो करते हैं उसमें डांसर का, का डांसर की कैटेगरी है उसमें लिरिसिस की, की कैटेगरी है उसमें म्यूजिशन की कैटेगरी है रेडियो वाले की कोई कैटेगरी क्योंकि रेडियो वाला एग्जिस्ट नहीं करता भाई रेडियो वाला मेहनत नहीं करता मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ रेडियो इंडस्ट्री वायद इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट रोज प्रोड्यूस करती है सही यस यसटीन आवर्स की प्रोग्रामिंग रेडियो दे रहा है रोज दो दो घंटे बैठ के पता नहीं कितने आर्जेस कितने स्टेशन से बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं रोज कंटेंट दे रहे हैं नया कंटेंट पुराना कंटेंट जैसे भी दे रहे हैं हाँ। आप उनको एक्नॉलेज तो करें सब रेडियो सुनते हैं लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ लेकिन इज्जत नहीं देंगे ये तो रेडियो है रेडियो आ, अमारे के मुझे पास क्या थे? मैं भी रेडियो ज्वाइन कैसे करेंगे तो मैं तो उनको बहुत मुश्किल तरीका बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मुश्किल तरीके से आए आसान नहीं है भाई नहीं बहुत आसान है माइक खरीद के बैठ के बात करना आपको लगता है ये कभी आप करके दिखा दे अकेले बैठ के तो आपको पता चलेगा कि आप

रेडियो तो नहीं कहीं जाने वाला टीवी शायद चेंज हो जाए अब ये सिर्फ एक आइटम के तौर पर रह जाए आपके पास हाँ। टीवी हाँ। आपके पास नेटफ्लिक्स आ गया हाँ। आप उस पर स्विच हो गया हाँ। आपका अपना मसला है आपने जब दिल चाह देख लिया जब दिल दिलचा नहीं देखा हाँ। रेडियो कहीं नहीं जा रहा नहीं। रेडियो हर जगह है हाँ। गाड़ी में भी है मोबाइल में भी है बाथरूम में भी है हर जगह है रेडियो को ये आरजीएस का भी मसला है हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स का भी मसला है कि इसको ना वो एक इम्पोर्टेंस नहीं देते

कंबल में बैठ के कोई बंदा एक हेडफोन लगा के सुन रहा है कोई कहीं क्लास में बैठा हुआ सुन रहा है हाँ। हम इतने हैं, सही। हैं। सही। तो हमें मिलती है। आप की बात ये हो रही है कि आप रेडियो को इंडस्ट्री का मुकाम दें सही है मैं बार बार बोल रहा हूँ अवार्ड होते हैं उसमें रेडियो क्यों नहीं होता भाई क्यों नहीं होता बेस्ट आरजे क्यों नहीं हो सकता नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि रेडियो कोई वो नहीं है वो कोई औकात नहीं है कोई क्या ऐसी मेले मेले लोग कर रहे हैं बैठे तो। इतने अरसे से कर रहे हैं जो माशाल्लाह से हां काम कर रहे हैं पूरा अपना भाई बहुत सारे लोग हैं मैंने तो मैं तो अपना नाम ही रेडियो से बना है मैंने काम है। बहुत सारे किए लेकिन काम नाम मेरा रेडियो से बना सही मैं मैं फील करता हूँ कि मुझे लोग रेडियो से जानते हैं मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहिड लोधी आपके सामने एग्जांपल है उसका नाम जितना रेडियो से बना है उतना किसी और चीज से नहीं बना

ओ पैसे इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो पता होता है कि अच्छा र, र, कोई ना कोई पार्टी में मिल रहे हैं कोई दोस्त मिल रहे हैं कोई चार दोस्त हैं कोई लॉबी है रेडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं नो यूनिटी यूनिटी नहीं है mm -hmm. तो सही है आप इससे घर नहीं चला रहे अपना बहुत सारे बेचारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं उससे घर नहीं चला सकते आप पैसे इतने नहीं बनते कि आप घर चला लें पूरा लेकिन आप बड़ा सोचेंगे जी। मुझे इमरान खान की बहुत सारी बातों से अख्तिलाफ है लेकिन एक अच्छी बात ये है। कहते हैं कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा भी करोगे तो तो कुछ हो कुछ होगा बड़ा सोचो तो, आप इसको इम्पोर्टेंस दें तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी सही आप इसको दर्जा दें इंडस्ट्री के तौर पर चलें तो आपको इंडस्ट्री वाली रिस्पेक्ट भी मिलेगी बस ये एक मेरा मुद्दा था कि यार रेडियो को इज्जत दो वोट को इज्जत ना दो रेडियो को दोनों को दे दे दो दो सबको इज्जत कम थोड़ी हो जाएगी आपकी बहरहाल दिस टाइम फॉर श्योर

इसी तरह करते रहेगा बड़ा मुश्किल काम है यूट्यूब के ऊपर काम करना आसान तो नहीं है बिल्कुल <laughs> आसान नहीं है आ, बंदा लोनली हो जाता है yes. सही है क्योंकि आप अकेले काम कर रहे होते हैं अकेले सब कुछ कर रहे होते हैं लोगों को दिख रहा होता है कि यार क्या लाइफ स्टाइल है यूट्यूबर्स का या यूट्यूब पे काम करने वालों का ये वो hmm. उनको भी पता होता कि मैं जैसे कर रहा होता तो मुझे पता होता मैं तीन चार दिन से घर से बाहर नहीं निकला मेरा फ्राइडे फ्राइडेटर संडे स्ट्रीम होगी ये होगा वो होगा मैं घर में बैठा हूँ हाँ सही है मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली आई एम ऑल अलोन आई एम ऑलवेज एडिटिंग काम ये वो yes. तो YouTube पे आप बड़ा एक टाइम आएगा आपको के लगे क्या क्या कर रहा हूँ नहीं और मेरा भी वही वाली बात है ले, लेजिटर उसी ब्लॉग नहीं देते ना वही जो आपने बोला ना कि यार अच्छा और और क्या करते हो हाँ नहीं भाई मैं यही करता हूँ भाई अभी ये करते <laughs> हैं और इसमें पैसे अच्छे खासे पैसे.